मिला क्या? अभी नहीं भाई, मिलते ही उसका खेल खत्म कर दो। ठीक है भाई, कर देता हूँ। हेलो, प्यार का मामला है यार, तुझे बताया था ना, तू कहाँ पर है? अरे मैं तो फंस गया, उसके भाई को हमारे बारे में पता चल गया और मैं ये रहा। ए, चारों तरफ से घेर लो, काट डालो साले को। मुझे बचाने की बजाय यहाँ पर मरवाने के लिए लाया है? अरे ये तो लावण्या का घर है। ए, प्यार करने के बाद ये सब नहीं सोचते, सामना करते हैं। कौन है बे तू? कम से कम अपनी बहन से तो पहले पूछ लिया होता कि वो किससे प्यार करती है। यही है वो। यही है वो। तू अपनी बहन को कितना प्यार करता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तेरी बहन को हिम्मत दिलाने वाला यही है। अगर तूने इन दोनों की बात मान ली तो तेरा होने वाला जीजा है ये। को मेरी जरूरत नहीं है, तेरी है। संबोरे, संबोरे, संबोरे।
इसे क्या हो गया? अब 5 मिनट तक इसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो जाकर लावण्या को लेकर आ। साले साहब, मैं आपकी बहन को ले जा रहा हूँ, गलती के लिए माफी चाहता हूँ। चलती हूँ भैया। चलो। ए, इन दोनों के बीच में आने की कोशिश मत करना, क्योंकि तेरे और इनके बीच में मैं खड़ा हूँ। अगर मुझसे टकराने की हिम्मत है तुझमें तो आ, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुझे, नहीं तेरे अहंकार को। Ladies and gentlemen, we got this prestigious contract worth 2000 crore rupees only because of you guys' cooperation. Who is that? Hey, Krish. That's my son Krishna. My life, my everything. Hey, beta, tum yahan kaise? Mujhe urgently aapka kuch waqt chahiye, daddy. Meri to life hi tumhare liye hai, beta. Bolo. Sir. Yes? Is contract ka kya karein? कैंसिल कर दो। क्या? वो मेरे बेटे से बड़ा नहीं है। अरे तुम यहाँ कैसे? कृष ने फोन करके 15 मिनट में यहाँ आने के लिए कहा, इसलिए आ गई। ठीक है, आओ। ये क्या, इन्हें यहाँ लेके आ गए? हमारी शादी भी करवा दी अंकल। That's my son. सुनो पद्मा, जब मैं तुम्हारे बेटे की उम्र का था तो अपने दोस्त की शादी इसी तरह करवाना चाहता था, बैड लक नहीं करवा पाया, लेकिन हमारे बेटे ने कर दिखाया है। जब देखो तो एक ही कहानी। हमें आशीर्वाद दीजिए अंकल। खुश रहो बच्चों। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। बेटा क्रेश, तुम्हारा भी अगर कोई ऐसा चक्कर है तो ऐसे मत करना, उसे घर ले आना, हमसे मिलवा देना। तेरे की मैं आता हूँ। मम्मी, डैड। यस। आपने कहा था ना मुझसे कि अगर मेरा कोई चक्कर हो तो आपसे मिलवा दो, यही है वो मधु। एक साल से हमारा अफेयर चल रहा है डैडी। तुम्हें पता है, मैं भी इसी तरह एक लड़की को लाकर अपने डैडी से मिलवाना चाहता था। मेरी किस्मत में वो नहीं थी, तुम थी, क्या करें। नहीं, मेरा मतलब जो मैं नहीं कर सका वो इसने कर दिखाया। मेरे पापा ऐसे ही हैं। हाँ हाँ, ये ऐसे ही हैं। जब भी बेटा कुछ गलत करता है तो उसे टोकने के बदले ये उसे सपोर्ट करते हैं, और कुछ नहीं। तुम अंदर आओ बेटी, तुम्हारे मम्मी डैडी क्या करते हैं? वो गांव में हैं, मैं यहाँ शहर में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। और पढ़ाई करने के बाद तुम क्या करना चाहती हो? कृष्णा से शादी करने का इरादा है। बाय आंटी। बाय बाय। हेलो। मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है। किससे? कोई प्रॉब्लम आ गई है। क्या हुआ? ऐसा लग रहा कि प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है। तुम्हें कैसे पता चला? लड़कियां जब इस तरह से मस्का लगाती तो पता चली जाता है उनके दिल में क्या है, वरना तो एकदम सीधी बात करती हैं। ऐसी बात नहीं है, मेरी एक सहेली है। प्यार का लफड़ा? हाँ, शादी करवा दूँ क्या? वो बात नहीं है यार, वो बहुत ब्रिलियंट है। यहाँ की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो यूएसए जाना चाहती है। तो बात आ गई एटीएम पे, उसे पैसों की जरूरत है क्या? अरे पहले पूरी बात तो सुनो। उसके पापा अपने किसी गांव के लड़के के साथ उसकी शादी करवाना चाहते हैं। वो एक नंबर का बदमाश और लफंगा है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने पापा से झूठ कहा है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। ये तो शतरंज की कहानी लग रही है। ये कहानी नहीं, हकीकत है। और उसके पापा ने उसके बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया है। अरे वाह, लगता है वो चाल चलने में माहिर है क्यों? Exactly. लेकिन अब वो बुरी तरह से फंस गई है, इसलिए अर्जेंटली उसके लिए एक बॉयफ्रेंड चाहिए। ए, लगता है तुम्हारी सहेली को बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, बलि का बकरा चाहिए। वो तो किसी को बनना ही पड़ेगा ना। अच्छा, कोई है नजर में तुम्हारी? कौन है वो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुमसे थोड़ी सी प्यार से क्या बात कर ली, तुम मुझे ही फंसाने चली? हाँ, वैसे वो है कौन? भूमि पर ही तो मैं खड़ा हूँ, ऊपर आसमान। हेलो।
मत छोड़ सकते हो। वो सब तो ठीक है, हर लड़की बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड है और उसे लाती भी है। तुम्हारा कोई स्पेशल केस है क्या, या फिर तुम्हारे पिताजी उसको निमंत्रण देंगे जैसे कि किसी को त्योहार पर बुलाते हैं? कभी त्योहार न मनाने वाले तुम आज ऐसे सवाल कर रहे हो। तुम जाकर इसका केस सेटल करके सही सलामत लौट आओगे, इसलिए मैं तुम्हें इसके साथ भेज रही हूँ। तुम इम्प्रेस करके मैं तो बुरी तरह फंस गया। अच्छा ये बताओ, अगर ये यहाँ से अमेरिका डायरेक्ट जंप लगा दे तो? ये अपने पापा का दिल नहीं दुखाना चाहती क्रिश। वेरी गुड, चश्मा पहन कर रोने का आइडिया अच्छा होता है। इसके पिताजी का दिल न दुखे ऐसा ये चाहती है, इसका दिल न दुखे ऐसा तुम चाहती हो, और तुम्हारा दिल न दुखे ऐसा मैं चाहता हूँ। और तुम चाहती हो कि मैं इसके साथ जाऊँ, है ना? तुम्हारी फ्रेंड को एक बॉयफ्रेंड चाहिए, इसलिए तुम अपने बॉयफ्रेंड का त्याग कर रही हो। संसार में तुम ऐसी पहली लड़की हो। हाँ, तो क्या हुआ, तुम अपने घर वालों से क्या कहोगे? जब मेरा दिल मुझे अंदर से कहता है तभी मैं अपने पिताजी को बताता हूँ। एक्टिंग कब से शुरू करनी? क्रिश बोलो बेटा। डैड मैं वर्ल्ड टूर पर जाने की सोच रहा हूँ। ऐसा क्यों? आप जवानी में जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए, इसलिए आपका सपना मैं पूरा करूंगा। दैट्स माय सन। तो तुम कब जाना चाहते हो? कल ही निकल रहा हूँ डैड। गो अहेड। अब मेरी समझ में आ रहा कि भविष्य में मेरे साथ क्या होने वाला है। वो तो ठीक है, तुम्हारा कोई ब्रदर सिस्टर कोई रिश्तेदार? कोई नहीं है, मैं अकेली। ओ, मेरी तरह सिंगल? हाँ मतलब तुम्हारे घर में तुम्हारी मॉम, तुम्हारे डैड और तुम, तीन ही लोग? तीन को संभालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हमारे साथ और भी 20 लोग रहते हैं। क्या कहा, 20 लोग? हमारी जॉइंट फैमिली है क्रिश। फैमिली है कि रेलवे स्टेशन? ये है मेरे पिताजी सत्य प्रकाश। मेरे पैदा होने के 2 साल के बाद मेरी माँ दुनिया छोड़कर चली गई। सब कहते हैं कि उसके बाद मेरे पिताजी बहुत बदल गए हैं। उनसे सिर्फ घर वाले ही नहीं पूरा गाँव डरता है। अजीब सा स्वभाव है उनका, पसंद आया तो नौकर को भी सर पर बिठा के रखेंगे और अगर पसंद ना आया तो महाराजा की भी इज्जत नहीं करेंगे। आज तक मेरे पिताजी ने मुझसे एक बार भी प्यार से बात नहीं की है क्रिश। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि वो वक्त कब आएगा। ये हमारी फैमिली की तस्वीर है। तुम्हारे पिताजी ऐसे बैठे हैं जैसे स्कूल में हेडमास्टर बैठता है। ये मेरे बड़े फूफा है सीनी, ये ताश के दीवाने हैं। ये है मेरी बड़ी बुआ कलावती, ये है उनका लड़का। ये छोटे फूफा बासु 15 साल पहले संक्रांति के दिन आए थे। अगले त्योहार के बाद अपने घर चला जाऊंगा ऐसा कहा था, पर अभी तक यहीं पर रुके हैं। ये मेरी छोटी बुआ सावित्री, ये है मेरी बड़ी चाचा और ये बड़ी चाची, ये छोटे चाचा छोटी चाची, ये उनके बच्चे। तुमसे एक बात पूछो, मधु और तुम्हें ये बकरे वाला आइडिया कैसे सूझा? हमारा नहीं क्रिश, ये आइडिया दादाजी का है। अच्छा पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ अच्छा करने की सोचने वाली एक लड़की का उस नालायक के हाथ सौंप कर उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करके तुम तमाशा देखना चाहते हो? उस लड़के में क्या खराबी है, और वैसे भी हर इंसान में कुछ ना कुछ खोट तो रहता ही है। और वैसे भी मैंने रामेश्वर को यह वचन दिया था कि उसके लड़के की शादी अपनी बेटी से करवाऊंगा, मैं तो बस वचन निभा रहा हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। ये बात तो तू तब समझेगा जब उसकी चिता जलेगी। क्या मतलब? भूमि शहर में किसी लड़के से प्यार कर रही है। ओहो, तो दादाजी पूरी फिल्म के हीरो हैं। वैसे तो मैं सबको मैनेज कर लूंगा, लेकिन लग रहा है कि हेडमास्टर जी को संभालने में थोड़ी तकलीफ जरूर आएगी। शादी की बातें तो बचपन से करते आए हो, तो फिर शादी कब करवा रहे हो? अगर आप कहें तो आने वाले फागुन के महीने में शहनाई भजवा दूं। मैं उसे सेहरा बांध कर उसकी बारात निकालने के लिए नहीं बुला रहा, चेहरे पर कालिख पोत कर यहाँ से भगाने के लिए बुला रहा। उससे शादी नहीं करनी है ऐसा मैं भूमि से बुलवाऊंगा। वह बालिग हो चुकी है, कल घर छोड़कर भाग गई तो हम क्या कर लेंगे? तुम्हें तो पता ही है कि दो प्यार करने वालों को किस तरह से अलग किया जा सकता है। हम लोग इतने सारे लोग हैं, जब वो यहाँ आएगा तो हम सब उसके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव करेंगे, तो वह खुद ही भूमि को ठुकरा कर यहाँ से चला जाएगा और भूमि हमारे पास ही रहेगी। ये है मेरा प्लान। कोई बम नहीं फूटा है, बस का टायर फटा है। गाड़ी का टायर यहाँ फटा है, मतलब सब लोग गए। ए, इस गांव में क्यों उतर रहे हो, जान गंवानी है क्या? ए,
ये कौन लंगूर है बे जो हमारे गांव में उतरा है? किस गांव में रहता है? इस गांव में उतरने की हिम्मत कैसे की तूने? इस लड़के ने हमारे गांव के लड़के को मारा, हथियार निकालो, देखते क्रिश, क्रिश, हमें झगड़ा नहीं करना, चलो 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 यहाँ से, चलो ना चलो। कौन है वो जिसने हमारे लड़कों पर हाथ डाला है? मैं हूं। पर क्यों? बस का टायर फट गया था, नीचे सिगरेट जलाने उतरा तो मेरी गिरेबान पर हाथ डाला, मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए धो दिया। मेरे आने में और एक मिनट लेट हो जाता तो तेरा क्या होता पता है? उसी की तरह और 10 लोग धूल चाट रहे हो। लेकिन तुम जा किसके घर रहे थे? सत्य प्रकाश जी के घर। पकड़ के बांध दो इसको। इसको छुड़ाने के लिए गांव वाले आते हैं या फिर घर वाले, ये देखना है मुझे। भाई हमारे गांव में आने वाली बस को उन लोगों ने रोक लिया। भाई रुक जाओ। ए, इस बार तो तू बच गया, लेकिन याद रखना वहां से वापस जाने के लिए तुझे इसी गांव से गुजरना होगा। तुम्हारे सामने खड़े भी होने की जिसकी औकात नहीं थी, आज वो तुमसे नजरें मिला के बात कर रहा है। वृंदावन, नाइस नेम। मालकिन, वो लोग आ गए हैं। अच्छा बाबूजी, बच्चे लोग आ चुके हैं। क्या क्यों छोटी चाची, ठीक तो है ना? ओहो हो, क्या फूफा जी, क्या खेल रहे थे, रमी या तीन पत्ते? ओहो पितामह जी, साष्टांग प्रणाम प्रभु जी। अब देखना मैं कैसे बंदर की नाच नचाता हूँ। मैंने सुना है कि तुमने उस गांव वालों को मारा है, क्या तुम इतने बड़े जिगर वाले हो? ये तो मार खाने वाली बता सकता कि मेरा जिगर कितना बड़ा है। वैसे आजकल हाथ छोड़ना मैंने बहुत ही कम कर दिया है, पहले मेरा ये खास शौक हुआ करता था, लेकिन अब सुधर गया हूँ। तुम्हारा नाम क्या कर्ण है? नहीं, कृष्ण, महाभारत के सारथी, लेकिन लोग बहुत ही प्यार से कृष्ण बुलाते हैं। तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं? कृष्णा ग्रुप ऑफ कंपनी जैसी बड़ी कंपनी में छोटे से क्लर्क है। तो तुम एक क्लर्क के लड़के हो? मैं गरीब खानदान को बिलोंग करता हूँ। शहर में और भी लड़कियों के होते हुए तुमने मेरी ही बेटी से क्यों प्यार किया? ये कैसा सवाल पूछा आपने, दुनिया में बहुत सारी लड़कियां होती हैं, लेकिन जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ आप उसके पिता क्यों हैं? ये सवाल पूछूं मैं आपसे? अरे मेरे शेर, तू सच में मर्द है, ये हुआ ना नहले पे दहला।
तुम क्या करते हो? आपकी लड़की से प्यार करता हूँ। ये जो करती है वही मैं भी करता हूँ। क्या देखकर तुमने इसे पसंद किया? पसंद करने की कोई वजह नहीं होती, लेकिन वजह होगी तभी तो पसंद की ना। का मामला, इससे तुझे क्या मतलब? लेके जाओ इसे अंदर। थैंक यू सर, बाद में मिलता हूँ पिता। क्रिश, वो मैं तुम्हारे पिताजी से बात करके मैं समझ गया था मुझे ऐसा ही वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने वाला है। अब मेरे पिताजी के बर्ताव के लिए आई एम सॉरी क्रिश। मुझ जैसे हैंडसम को तो साथ ले आई हो, लेकिन इतनी जल्दी कोई दामाद थोड़ी कहेगा। सभी लोग ऐसे ही होते हैं, पहले गरजते हैं उसके बाद बरस जाते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, 12 क्यों बज रहे हैं चेहरे पर? सुनो, मेरी गर्लफ्रेंड को हमेशा फूलों की तरह दमकते हुए रहना चाहिए। मेरे डैडी हमेशा ऐसा कहते हैं, हंसो और हंसाते रहो। ये हुई ना बात, लड़कियों की मुस्कुराहट पे लड़के कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबका फोटो सेशन तो हो गया, लेकिन उसका चेहरा कहीं नजर नहीं आया। किसका? वही जिसकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, तुम्हारा होने वाला। तेरी बहन माँ बनने वाली है तो उसके अबॉर्शन का खर्च मैं दे दूंगा। पैसा जुबान बंद रखने के लिए दिया था, कर्जा समझ कर रखने के लिए नहीं। मेरी बहन से शादी का वादा करके तुमने उसे धोखा दिया है। जब मैंने कपड़े पहनना भी नहीं सीखा था तब से मेरा और भूमि का रिश्ता तय हो चुका है, ये सारा गाँव जानता है। अगर तेरी बहन ने मेरी इज्जत उछाली तो मैं उसका मौत से भी बदतर हाल कर दूंगा। तेरी बहन मेरे साथ सोई थी तो इंसाफ मांगने के लिए भी मेरे पास आना चाहिए था। तुझे मेरे ससुर के पास जाने की क्या जरूरत थी? आज ही जाकर अपनी बहन का बच्चा गिरवा दे, वरना मैं तेरी बहन कुएं में गिरकर मर गई ऐसी अफवाह फैला दूंगा। आए, बाहर कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा। मैंने सोचा था कि देखने में तो कार्टून जैसा होगा, लेकिन नहीं, हट्टे कट्टे लग रहे हो। कौन है बे तू? तुम्हारा क्लासमेट हूँ भाई, नहीं समझे क्या? जिस लड़की की तुम्हारे साथ शादी होने वाली है उसके साथ फेरे लेने वाला असली दूल्हा हूँ मैं। भूमि, ए, बहुत बड़ी भूल कर रहा है तू। तुझे यहाँ आने से पहले मेरे बारे में पता कर लेना चाहिए था। लोग अक्सर मेरे बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लोगों के बारे में जानने की आदत नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ आऊंगा तू मेरे पीछे पड़ेगा, ये बात मैं अच्छे से जानता था, इसलिए तुझे छोटा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं खुद यहीं पर आ गया। आज से तू भूमि को भूल जा, वो मेरी है। जानता हूँ तुझे थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन कोशिश तो कर, क्योंकि तेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। चलता हूँ भाई, भूमि के पति के बराती। ए, नहीं नहीं बेटा। क्या हुआ प्यारे? शहर में रहने वाला लड़का पिज्जा बर्गर खाता है, उसमें दम कहां से होगा? यही सोचकर तुम उसे डराने की कोशिश कर रहे हो ना? अगर वाकई मर्द का बच्चा है तो कुछ करके दिखा, अपने साथियों को भी बुला ले और देख पिज्जा बर्गर खाने वाला क्या करता है। एक एक के टुकड़े टुकड़े करो। चलो भूमि। आपने मुझे क्यों रोका पापा? भूमि के सामने ही मैं उसे जिंदा गाड़ देता। इस वक्त अगर तुम कुछ भी करोगे ना तो भूमि के बाप को सब पता लग जाएगा। वो तुम्हें यहाँ भड़काने के लिए ही आया था। भूमि के बाप के मरने के बाद वो हमारे चंगुल में होगी। धीरज रख। ओहो पितामा जी। आइए दादाजी, आपकी पोती की खुशी के लिए आपने जो नाटक रचा है वो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन आपकी नाती की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ये आपने कभी सोचा है दादाजी? खाना खाना है कि नहीं? आइए दादाजी। डर बेटा, डर। कृष्णा, अगर तुम यहां नहीं आते तो मेरी पोती की जिंदगी बर्बाद हो जाती, इसीलिए ये खेल खेला मैंने। सोचता हूँ तो मेरा कलेजा मुंह पर आता है। भूमि,
वो सचमुच अपने नाम की ही तरह है। उसके दिल में ज्वालामुखी उबलता ही रहता है बेटा, उसके बावजूद वो किसी को एहसास नहीं होने देती। भूमि यहाँ के बारे में मुझे पहले ही सब कुछ बता चुकी है, वो आपके बारे में भी बता चुकी है। लेकिन दादाजी, आपके बेटे को कोई समझा नहीं पा रहा है, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा या वो समझना नहीं चाहते। सिद्धि को कौन अकल सिखाए कृष्णा, उसे कोई भी बात समझाने जाना और भैंस के आगे बीन बजाना दोनों एक ही बात है। ऐसा हिम्मत वाला काम मैंने आज तक कभी नहीं किया है। दादाजी हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, जब तुम यहाँ आए थे, वो गांव, ये गांव, बीच में एक पुल, दोनों के बीच छुरी तलवार मार काट, उन दोनों की माँ भले ही अलग अलग है लेकिन पिता सिर्फ एक ही है और वो मैं हूँ। वो दोनों आप ही के बच्चे हैं? हाँ बेटा, छोड़ो मेरी कहानी सुनकर तुम क्या करोगे, अब तुम्हारी बात करते हैं। वही तुम्हारे पिता किसी ऑफिस में क्लर्क हैं, बहुत गरीब हैं, शहर के अंदर कोई चाली वाली में रहते हैं। देखो ये घर मेरा बनाया हुआ है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जब तक यहाँ हो बड़े आराम से यहाँ रहो, खर्च के लिए पैसा नहीं है तो फिक्र मत करना। मैं हूँ ना, 500 रुपए रखो, ये खर्च करने के बाद फिर तुम मुझसे मांग लेना, मैं दूंगा तुम्हें। हाँ। लेकिन मेरी एक विनती है, इस जहन्नुम से मेरी भूमि को बचा लो बेटा। दादाजी से तो 500 रुपए ऐंठ लिए, भूमि से कितने ऐंठ चुका है। hey, you! यो, यो, अब जाल में फंसा बकरा। क्या पता तू डुप्लीकेट है या फिर ओरिजिनल है, लेकिन हम तुझे यहाँ से ऐसे भगाएंगे कि तू कहीं का नहीं रहेगा। भाई हाथ लगा के बात नहीं करने का, मुंह से आवाज निकलती है ना। वॉच भाई, ये घड़ी इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड है तो क्या हुआ, मेरे हाथ में नहीं रुकेगी क्या, हाथ से कूद कर भाग जाएगी क्या? एक दूंगा घुमा करना तो सारी नवाबी उतर जाएगी। इधर आ। नए नए पैटर्न के शर्ट चोर बाजार से लाया है या मार्केट से लाया है? ये बात अगर हमारे घर वालों को पता चल गई तो तेरा क्या होगा पता है? रहने दीजिए भाई साहब, घर वाले मेरी जान ले लेंगे। भाई साहब ये शर्ट मेरी है, घुमा कर दूंगा ना तो सारी बत्तीसी मुंह से बाहर निकलकर फर्श पर डांस करेगी। अब तू एक काम कर, सब कुछ पैक करके रेडी हो जा यहाँ से जाने के लिए। सब कुछ तो आपने ले लिया, पैक करने के लिए बचा क्या? मजाक करता है, तेरी दोनों आंखें निकाल कर मोहल्ले के बच्चों को दे दूंगा गोटियां खेलने के लिए, याद रखना है। बहुत सजता संवरता है तू, अब तो तुझे इन चीजों की जरूरत है नहीं क्योंकि तू सिर्फ रात भर इस गांव का मेहमान है। कल मामा जी जैसे ही इस गांव में लौटेंगे, अरे हाँ मामा जी तो आज की रात इस गांव में है ही नहीं। ए, सारा सामान पैक कर ले, सुबह होते ही इस गांव से निकल जाना, दिखाई मत देना, समझ गया? सिंगल पीस है ये। इतना टॉर्चर करने के बाद भी तू नहीं गया, बड़ा ही बेशर्म आदमी है तू, जल्दी से पैक करके निकल ले चल। अब वो क्या है ना भाई साहब, मैं रात भर शूटिंग कर रहा था। शूटिंग किस चीज की, नौटंकी की या हॉरर फिल्म की? दोनों की कर रहा था। तो फिर मुझे भी शूट करके बता, बता बता चल बता। बात ये कि पूरी पिक्चर पहले ही बन चुकी है। मुझसे कोई ज्यादा स्मार्ट मिल गया था क्या तुझे? दिखाया दिखाया जल्दी दिखाया चल। ठीक है। रुको थोड़ा धीरज रख मेरी जान, मुझे एक बकरा मिल गया है। मैं मामा को ऐसी पट्टी पढ़ाऊंगा कि वो आधी जायदाद मेरे नाम कर देंगे। उस जायदाद को बेचकर मैं तुम्हारे लिए एक महल बनवाऊंगा और उस महल में हम दोनों का प्यार। मेरी बजा दी बहन। भाई देखो तुम्हारे कपड़े पर जरा सा भी दाग नहीं लगने दिया, जैसा ले गया था ना वैसा ही वापस कर रहा हूँ। और ये तुम्हारी इम्पोर्टेड घड़ी तुम्हारे ही हाथ में अच्छी लगेगी भाई। तू क्या मुझे गधा समझता है? मैं डबल गेम खेलता हूँ, गिरगिट की तरह रंग बदलता हूँ। लेकिन ये क्या है? डीवीडी है भाई, आपने जो अपनी रासलीला का वीडियो तोड़ दिया ना वो इसमें भी रखा है। और भी 10-20 डीवीडी है। इसे रख लीजिए भाई। क्यों बे बंदर, अभी से टाइट टाइट फेस और भी दिखाऊं क्या? मेरे बदन पर चड्डी तो रहने दो, थोड़ी तो इज्जत बच जाए। थोड़ी देर पहले तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे भैया कि मेरी आंख निकाल कर गोटी खेलोगे।
मैं तो मजाक कर रहा था। पहले तो कह रहे थे कि एक थप्पड़ में नवाबी उतार दूंगा, नहीं उतारोगे क्या? भैया मैं आपकी नहीं अपनी नवाबी उतारने के लिए कह रहा था, आप तो सचमुच के नवाब हैं। ए बंदर, ओवर एक्टिंग मत करो, तुम्हें कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है। भैया आपने इतना बड़ा अवार्ड तो दे दिया, अब नहीं चाहिए। ए भीगी बिल्ली। जी भैया। ये बात तेरे मुँह से ही नहीं किसी और के मुँह से भी लीक हुई ना, नहीं होगा तो पता है क्या होगा, तुम्हारी पिक्चर थिएटर में रिलीज हो जाएगी। भैया मैं अच्छी तरह से समझ गया, आज के बाद आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम होगी भैया, मेरी प्रॉब्लम होगी। आया हाय तू तू तेरी तो पापा बबे बबे ए बबे 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 सबको लगना चाहिए कि हम दोनों सच में लवर्स हैं, इसलिए ऐसा किया। अच्छा लगा ना? लवर को कोई इस तरह से बुलाता है क्या? नहीं बुलाते हैं, वो जो तुम्हारी फ्रेंड है ना, वो तो मुझे ऐसे चिल्ला कर बुलाती है। ओहो, उसे भी थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ठीक है, नाश्ता तैयार है, आ जाओ। माँ जल्दी नाश्ता लाओ ना, पेट में चूहे दौड़ रहा है। देर करोगी? अरे रे भैया आप आ गए, बैठिए ना, नाश्ता कीजिए भैया। बिल्ली जी। भैया डर रहे हो या शर्मा रहे? मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, ये परफॉर्मेंस अपने आप निकल रही है भैया। बैठ जा। थैंक्स भैया। ए मैं तुझे आज दो ही पराठे दूंगी। क्यों? सुन, ये चांदी की प्लेट घर वालों के लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं। ये है बड़ी बुआ कलावती, जरा सी तारीफ कर दो पेड़ पे चढ़ जाती है। आपको पता भूमि एक बुआ की बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी वो तो देवी का स्वरूप है। क्या बोल रहा है? किसकी तारीफ कर रही थी? उनका नाम क्या था? कला अच्छा कलावती तो नहीं? करेक्ट। पता है कह रही थी जब तक वो कलावती बहू को नहीं देख लेती तब तक खाना का पानी भी नहीं पीती है। और क्या कह रही थी? अरे पूछो मत, कहूँ तो तीन किताबें भर जाएगी। इस घर में मुझे कोई पसंद करे ना करे लेकिन कलावती बहू जरूर करेगी, ये बात पक्की है। भाई। लेकिन अब तक पता नहीं चला कलावती बुआ है कहाँ। क्रिश माँ बस करो माँ। क्या हुआ? वो कलावती बुआ मैं ही हूँ। अरे अरे बाप रे, आप ही वो साक्षात देवी हैं? भूमि के रहते हुए आप ये नाश्ता परोस रही हैं? भूमि, ए भूमि, रहने दे बेटा, तू बैठ ना, बैठ। क्या है क्रिश? कुछ नहीं, तुम चुप रहो, तुम खाओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम पराठे लेकर आती हूँ। मेरे लिए भी ले आना माँ। भाई आप मामूली आदमी नहीं है, मेरे हिस्से का डोसा आपने डुबक करके अपनी प्लेट में ले लिया। भाई अगर मैं आपको कोई नाम देना चाहूँ तो मेरे दिमाग में कृष्ण का ही नाम आता है। आ दे दे। आ भूमि, कृष्ण किसी को पसंद आए या ना आए, मुझे तो वो लड़का बहुत पसंद आया। सुन ये बात तू किसी और से मत कहना। कृष्ण तुम आराम से खाना, मैं और दो पराठे लेकर आती हूँ। हाँ मालिक, ये दोनों बैल बूढ़े हो गए हैं, अब किसी काम के नहीं रहे, कहें तो इन्हें बेचाऊं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बेकार बैठकर रोटी तोड़ते हैं, और ये जो खेत जोतते आए हैं तुम इन्हें बेचने की बात कर रहे हो? जब ऐसे लोग यहाँ रह सकते हैं तो इन्हें भी ले जाओ, चारा खिलाओ। भैया वो जो कह गए वो हमारे लिए था क्या? इसमें भी कोई शक है? अगर तुझे बुरा लग रहा है तो चला जा। मैं क्यों जाऊं? अगर जाना जरूरी है तो तुम जाओ। अभी परसों ही सिलाई करवा के नई शर्ट बनवाई है मैंने, अब इसे गोबर में खराब करने के लिए नहीं जाऊंगा। अरे फालतू के गप्पे मारने के लिए मैंने एकदम सही जगह फिक्स कर दी है। तू यहाँ पर क्या कर रहा है वे? क्या फूफा जी, मैं भी यही सेटल होने के लिए आया हूँ, मेरा भी हक है सब कुछ आपस में बांट लेंगे। क्या बांटने की बात कर रहे हैं? आप दोनों बिना कुछ काम किए आराम से बैठे रहते हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी आपकी इस कप महफिल में शामिल हो जाऊँ। एक से भले दो, दो से भले तीन, है ना? कबाब में हड्डी, हम सब पर रोब झाड़ने लगा तो पूरी दौलत अकेला हड़प लेगा, हमें मिलेगा सिर्फ घास फूस। तो क्या करें यार, इसे हम अपनी जाल में फंसा लेते हैं। क्रिश तू अगर हमारे साथ मिल गया तो यहाँ तेरे सपोर्ट में हम दोनों लोग हमेशा रहेंगे, फिर जैसा हम कहेंगे यहाँ के लोगों को मानना होगा। क्या कहते हैं? ओके भाई साहब, हमने इसे नहीं बुलाया था, ये खुद ही हमारे बीच में आ गया बेशर्म के जैसे। बीच में घुसने वाले कभी भी किसी के नहीं होते हैं, संभल कर रहो। ठीक है भाई साहब। तुम कहाँ हो बेटा? वो मैं परिंदों के बीच में हूँ डैडी। हाँ इस वक्त मैं मसाई मारा हुआ हूँ डैडी। ओके गुड। हे क्रिश, वहाँ नेशनल सफारी नाम का एक बहुत बड़ा जू है, वहाँ देखने लायक अनोखे बहुत सारे जानवर और पक्षी हैं, वो देखे? हाँ वही देख रहा हूँ डैडी। यहाँ पर हर कोई एक मास्टरपीस है डैडी। वो देखते देखते वहीं मत रह जाना। आई मिस यू माई सन। आई मिस यू टू डैडी। टेक केयर। बाय डैड। क्रिश कॉफी।
मेरे पिताजी सोच रहे हैं कि इस वक्त मैं पूरी दुनिया में सैर कर रहा हूँ और एक तुम हो कि अपना इतना सा गांव तक नहीं दिखाया मुझे। सॉरी कृष, अब 5 मिनट मैं अभी आई। ठीक है। ये सब आसपास के सारे खेत, बाग बगीचे, सब कुछ हमारा है। वेरी बिग प्रॉपर्टी। इस भूमि को हड़पने के लिए उस भूमि वाले झगड़ा कर रहे हैं, ये देखकर तुम्हारे क्या किसी के भी पिताजी को गुस्सा आ जाएगा। शादी लायक लड़की को शादी से पहले घुमाने ले जाना अच्छे घर के संस्कार है। दुनिया वाले कैसी कैसी बातें करेंगे इसका अंदाजा है तुम्हें? और जिस लड़के से इस लड़की की शादी होनी है उसे घर में लाकर बैठा दिया, ये बात सुनकर तो पूरी दुनिया इस खानदान की बहुत तारीफ करेगी ना। बिल्कुल, 100% की बात कर रहा है लड़का। एक जवान लड़की को घर से बाहर ले जाने से पहले घर वालों की इजाजत लेनी चाहिए, इतनी भी तमीज नहीं है तुम्हें? तुम्हें बोलकर क्या फायदा, ये कसूर तुम्हें पैदा करने वालों का है। बिल्ली। जी भैया। तुमने बताया नहीं? क्या नहीं बताया? तुम दोनों लवर यहाँ पर दुबक कर क्यों बैठे हो? जाओ जाकर बाग बगीचे में घूम कर आओ, मामा जी आएंगे तो मैं उन्हें संभाल लूंगा, यही कहा था ना तुमने? ओ, मैंने ऐसा कहा था क्या? हे, तूने ऐसा कहा था क्या? पापा, वो भैया ने जो कहा समझ लीजिए, मैंने ही कहा था मामा जी। लगता है गाल लाल होने वाला है। अब तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। बिल्ली। जी भैया। तुम्हें इस तरह मार खाने की आदत पड़ गई है क्या? क्या करूं भैया, आपको यहाँ से भगाने के लिए मैंने आपके कपड़े पैक करके रखे थे। मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, आपके सारे कपड़े अलमारी में सजा देता हूँ भैया। इस समय कौन डिस्टर्ब कर रहा है भाई? मेरी ओरिजिनल गर्लफ्रेंड है बिल्ली। मैं अभी आता हूँ। क्यों, वहीं सेटल हो गए क्या? सेटल हो गया हूं। तुम एक बार हाँ कह दो, मैं यहीं सेटल हो जाऊंगा। जान ले लूंगी। एनी प्रॉब्लम? जस्ट मिसिंग यू। Hey, एक काम करो, तुम भी यहाँ भूमि के पास आ जाओ, बहुत मजा आएगा। क्या इरादा है? कि मेरा आखिरी साल है, एग्जाम के बाद पेरेंट्स से परमिशन लेकर बहाने की कोशिश करती हूँ। पहले मुझे तुम्हारे बारे में घर वालों को बताना पड़ेगा ना। क्रिश, आई मिस यू। आई मिस यू टू। बाय। बाय। ए रतन। जी मालिक। जल्दी जल्दी अपना काम निपटा, खेतों में यूरिया छिड़कने जाना है। ठीक है मालिक। सुन रहे हो? हाँ। कल पड़ोस के गाँव में शादी है, हम में से कोई नहीं जा सकता, और तुम लोगों को ताश खेलने के सिवा कोई काम नहीं है, इसलिए इसे बंद करो और उस निमंत्रण में चले जाओ। आते समय खाना भी बांध के ले आना। चल रे, चल जल्दी कर, जल्दी कर। चाचा जी किस पर बरस रहे थे? और किस पर, हम ही हैं यहाँ ना। ये क्या फूफा जी, आप उनके बहनों ही हैं, आपकी इज्जत करने के बजाय वो आप पर ऐसे बरस रहे थे। देखना यार, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। हम लोग भिखारी हैं क्या? हम इसी घर के दामाद हैं। आज ये फैसला होकर ही रहेगा कि हमारी भी कोई इज्जत है या नहीं। छोटे, तेरे साथ हमें भी बाहर जाना पड़ेगा, संभल कर रहना होगा। हाँ कृष्ण, लफड़ा हो जाएगा। ये क्या बात कर रहे हैं फूफा जी, भले ही हम काम नहीं करते हैं, पड़े पड़े खाते रहते हैं, लेकिन हमें इस तरह कोई धुतकार कैसे सकता है? करेक्ट। हम लोग यहाँ पर इतनी इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, तू है कौन? बात ना क्या करना, जा। खुजली करने तक की फुर्सत नहीं है, इतने सारे काम पड़े मेरे पास। आप लोगों को बात करना है तो अंदर जाकर कीजिए। ये जो बोल रहा है ना, बात तो सही है बेचारे की, लेकिन प्यार से हमारी बैंड बजा कर चला गया वो। ये काम कर रहा है ना, तभी सर चढ़ रहा है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, इसको नौकरी से निकाल देना, तब भी ये कहीं और जाकर मेहनत से अपना पेट भर लेगा, इसीलिए इतना अकड़ के बात कर रहा था। पापा, ठूसने चलो। आपके मुफ्तखोरी की लिस्ट में ये भी शामिल है, बिल्कुल आपके नक्शा कदम पर गया है आपका लाडला। ऐसा कीजिए, किसी लखपति बाप की बेटी से इसकी शादी करवा दीजिए, बस आप लोगों की तरह ऐश करेगा, क्योंकि शादी की उम्र तो उसकी बीत चुकी है, और कुछ दिनों के बाद आप लोग भी नहीं रहेंगे, वक्त रहते ही फायदा उठाना चाहिए, नहीं तो पता है फिर क्या होगा, न घर के रहोगे न घाट के। टेंशन मत लीजिए, ये सब देखने के लिए आप लोग थोड़ी रहेंगे, मेरी सोच तो ये है, मुफ्त का चंदन किस मोरे नंदन। ठीक है, मैं चलता हूँ, अब तो गधों को अकल आनी चाहिए। आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, मिट्टी पर रेंगने वाला कीड़ा भी अपना फर्ज निभाता है, झूठन खाने वाला कुत्ता भी अपने मालिक के लिए कुछ ना कुछ करता है वफादारी से, उससे भी गए गुजरे हैं हम लोग। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जब जागे तब सवेरा, कहते हैं मेहनत ही मर्दों की मर्दानगी है, ट्राई करके देखिए, इससे बेहतर जिंदगी होगी। ए रतन। जी मालिक।
खेतों में यूरिया छिड़कना ट्रैक्टर कहाँ है? वो सब लेकर तो वो लोग खेत में गए हैं मालिक। कौन गया? और कौन, आपके दोनों जीजा। वो लोग खेतों में गए हैं? वो आज खेत पे गए हैं। दोनों दामाद खेत पे गए हैं? मालिक एक ये दोनों आ गए। हम लोगों ने सभी खेतों में यूरिया डाल दी है, दो बोरी और चाहिए। बाजार जाइएगा तो लेते आइएगा। ठीक है जीजा जी। बिजली की तरह कड़कने वाला शबनम बन गया है। अब फल की चिंता नहीं करेंगे, सिर्फ मेहनत करेंगे। आज से खेतों की जिम्मेदारी आप लोग ही संभालिए जीजा जी। किसी भी त्योहार पर मैंने अपने घर वालों को इतना खुश होते हुए कभी नहीं देखा, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सब किसके लिए कर रहे हो कृष? तुम्हारे लिए भूमि। 3 घंटे में 300 मेहमान आते हैं, लेकिन उसमें तुम्हारा कोई नहीं। जिस तरह एक छोटे से काम के लिए तुम्हें मदद मांगने मेरे पास आना पड़ा, उसी तरह अगर कल को तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी प्रॉब्लम आई तब मैं नहीं रहूंगा, यही लोग रहेंगे। घर का नाम है वृंदावन, लेकिन लगता ऐसे है जैसे राजकंस का हो। तुम्हारी शादी का मामला सुलझाने में सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगेगा, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे पिताजी है, लगता है उन्हें बदलना पड़ेगा। वो बदलेंगे नहीं कृष। जरूर बदलेंगे, वो पत्थर नहीं इंसान है। पितामह आओ बेटा आओ, तुम भी पियोगे? नहीं अभी नहीं, टेंशन में होता हूँ तो पीता हूँ। क्या बताऊं कृष्णा, जब तक मैं पी नहीं लेता मुझे तो नींद ही नहीं आती। नींद ही नहीं आती, ऐसा क्या टेंशन है? 6 महीने यहाँ, 6 महीने वहाँ, मुझे बड़े बेटे के घर पर आए हुए 6 महीने हो चुके हैं, और आज यहाँ रहने का आखिरी दिन है। मैंने किन हालात में ये फैसला लिया ये आज तक दोनों बच्चे समझ नहीं पाए। राम और लक्ष्मण की तरह मिलजुल के रहने की बजाय राक्षसों की तरह एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इन दोनों भाइयों के बीच दुश्मनी का बीज बोने वाला वो रामेश्वर है, और उसी का बेटा हमारी भूमि के पीछे हाथ धो के पड़ा है। मेरे यहाँ से जाने के बाद मुझे कुछ हो गया फिर मेरी बच्ची का क्या होगा, यही सोचकर मैं मरा जा रहा हूँ। उस शैतान के हाथ में मेरी बच्ची का हाथ जाने के बाद उसका क्या होगा, इसलिए बेटा उन दोनों भाइयों को मिलाने की कोशिश कर। रो मत बेटा, तू रो मत बेटा। तेरा बाप तुझसे एक ही बात बार बार कह रहा है कि तू ऐसा मत सोचना। वहां जाने के बाद अगर मुझे कुछ हो गया तो तुझे दुश्मनी बुलाकर वहां आना ही होगा, क्योंकि तू बड़ा बेटा है और उसके नाते मुझे मुखाग्नि देने जरूर आना। तू जरूर आना। कृष्णा तुम यहाँ कैसे आ गए? आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया दादाजी, और आज आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। आप मुझे भले छोड़ दें, मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। ऐसी बात नहीं है, मेरा बड़ा बेटा तुम्हें वहाँ से भगाने के लिए हमेशा पीछे पड़ा रहता है। अगर ये बात उसे पता चल गई कि मेरे साथ तू छोटे के घर में आया है तो तुझे कॉलर पकड़ कर बाहर निकाल देगा। मैं फौलाद से बना गेट हूँ दादाजी, आसानी से कोई नहीं खोल सकता। खैर मेरी बात छोड़िए, लेकिन मुझे आपकी ये पीने की आदत पसंद नहीं है। क्या? अगर आपके दोनों बच्चे एक हो गए तो आप हैप्पी हो जाएंगे ना? सिर्फ हैप्पी, डबल डबल हैप्पी। फिर जो मैं कहता हूं वो करते जाइए।
कृष्णा आज ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, बांध दो इसे। ये तुम्हारे भाई का होने वाला दामाद है। जब भाई ही नहीं तो दामाद क्या, एक बार ये बच कर निकल गया था मेरे हाथ से। अरे तेरा बड़ा भाई इसकी सूरत से भी नफरत करता है। रुक जाओ, क्या कहा आपने? तेरे बड़े भाई को इसकी सूरत से भी नफरत है, इसे देखते ही उसे सांप सूंघ जाता है। शत्रु का शत्रु मतलब मेरा मित्र, फिर उधर क्यों खड़ा है, चल अंदर आ जा। बहुरानी। जी बाबूजी। कृष्णा ये है मेरी छोटी बहुरानी। नमस्ते माँ जी। ये भी हमारी पार्टी में है। मेरे दोनों बच्चों के खानदान कब एक होंगे ये इसी के इंतजार में है मेरी बच्ची। बाबूजी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। जाओ बेटी जाओ। सुनो तुम यहाँ पर आए हो उन्हें ये पता है? ऐसा कभी हो सकता है क्या, उड़ती चिड़िया के पंख गिनने वालों में से है वो। अगर नहीं पता चला तो खुद ही बता देना, तुम यहाँ पर आए थे और साथ में खाना भी खाए। भूमि भूमि, वो इस घर के दुश्मन की चौखट पे क्या है? वहां जाने से पहले उसे इस घर के नियम कानून के बारे में जानना चाहिए था। वहां जाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानती नहीं हो क्या, जो भी इस घर के नियम को तोड़ता है उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ये दिखावे का गुस्सा है या फिर उस लड़के को निकालने का प्लान है? क्या है क्रिश, तुम क्या पापा के गुस्से का इम्तिहान ले रहे हो? यानी तुम्हारे पिताजी को गुस्सा आया, अब ये मुझ पर भड़क रहे थे? क्रिश बात को समझो भूमि, इस घर का चाहे कोई चाहता हो या फिर इस घर का कोई मेंबर हो, अगर उस घर में जाए तो इस घर वालों को गुस्सा तो आना ही चाहिए, वरना दुश्मनी कैसी हुई। मेरे वहां जाने से इन्हें गुस्सा आया, मतलब मैं इनके दिल में जगह बना चुका हूँ। कैसे बोलती बंद कर दी, सच कह रहे हो? और नहीं तो क्या। तुम वहां क्यों गए थे क्रिश? तुम्हारे दादाजी के खातिर। क्रिश के सारे कपड़े मैंने पैक कर दिए मामा जी, आज उसके यहाँ रहने के दिन पूरे हो गए। आप कहिए तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े। मुझे यहाँ से निकालने की बड़ी जल्दी है तुम्हें, मेरे जाने से तुम खुश हो जाओगे क्या? अरे रे, आपकी कसम नहीं भाई, इस बार आप बगैर बताए घर से बाहर गए थे, ये बात मैंने मामा को बताई ही नहीं थी। क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ। प्रॉमिस मैं अब कभी गांव वालों की बातों में नहीं आऊंगा, अब से किसी को फॉलो नहीं करूंगा, नेक्स्ट टाइम आपको ही फॉलो करूंगा भाई। मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम दो, मैं आपका सारा सामान फिर से उसी जगह पर सेट कर देता हूँ। थैंक्स भाई। दीदी लड़के बदनाम नहीं होते, बदनाम होती है लड़कियाँ। मैं मान ही नहीं सकती, हमारी भूमि को देख लो, उसने क्रिश की कभी उंगली तक नहीं पकड़ी। क्या हुआ बुआ, किसकी बदनामी की बात हो रही है? भूमि तुम्हारी लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई, अब फटाफट बता दे। मैं अपनी लव स्टोरी कैसे सुनाऊं? बता ना बेटी, तुम्हारी लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई? वो मैं एक दिन बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी। ए भूमि, तू वहाँ अकेली थी? अकेली नहीं, मेरे साथ आप लोगों जैसी सहेलियाँ थी। क्या हुआ? उस समय चमचमाती हुई गाड़ी आकर रुकी, उसमें क्रिश था। ए, मैं तो कह रहा था वो क्लर्क का बेटा है। आई मीन उस गाड़ी के बाजू में एक स्कूटर भी था, उस पर क्रिश बैठा हुआ था। उस दिन हमारी पहली मुलाकात हुई थी, उसके बाद वो रोज वहाँ से गुजरता था। अच्छा ये बता, तेरी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई? जैसे ही वो भगवान, तो वो गिर गया क्या? प्यार में। माँ जिस दिन से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है, और रूल्स के मुताबिक तुम्हें मेरे सपनों में आना होता है, इसलिए मजबूरी में सोना पड़ता है। मैं मर जाना चाहता था, लेकिन फिर सोचा तुम अकेली रह जाओगी, बस इसीलिए जिए जा रहा हूँ। लेकिन अगर तुम ना कहोगी तो मैं यहीं इसी वक्त अपनी जान दे दूंगा। रोज मुझे देखने आया करता था, इसलिए मैंने हाँ कर दी। उसके बाद क्या हुआ?
अब प्यार होने की बात क्या होता है आप लोगों को नहीं पता क्या? भाई वो भी इसी बस में जा रहा है। ससुर जी तो सिर्फ बोल बच्चन में ही टाइम पास कर रहे हैं, तुम उसे वहीं पर काट डालो। ये दो गांव के बीच की दुश्मनी लगनी चाहिए। Go!
किसने कोशिश की तुम्हें मारने की? आप भी हो सकते हैं। आपकी मर्जी के बिना यहाँ पर पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये मुझे अच्छे से मालूम है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पर वो जो हमला हुआ था उसमें कहीं ना कहीं आपका हाथ जरूर है। वैसे तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुके हो, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। भूमि की रक्षा तुम ही कर सकते हो, अपनी कीमत बताओ। आपकी बेटी के लिए आपका जो प्यार है उसकी जो कीमत है वही कीमत मेरी है। मैं भूमि की तरह तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला और न ही उसकी शादी तुमसे करवाऊंगा। इसीलिए यहाँ से जाने में ही तुम्हारी भलाई है। लेकिन भूमि तो मुझसे प्यार करती है। क्योंकि वो नासमझ है। वो भी आप पर ही गई है, लेकिन मैं भी अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। आप कुछ भी कर लीजिए। क्रिश, तुम पर हमला हुआ इस बात का पता भूमि को बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। सर, आप हमेशा कहते हैं मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। आज के बाद से ये डायलॉग तो मेरा होना चाहिए। क्रिश, तुम पर जो हमला हुआ है वो मेरे पापा ने ही करवाया है। पागलों जैसी बात मत करो भूमि। नहीं क्रिश, ये खेल खत्म हुआ, अब तुम चले जाओ प्लीज। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, इसलिए तुम्हें इतनी हिम्मत थी और तुम यहाँ पर आई। मेरे बिना वो हिम्मत मैं तुम्हें देख लूंगा तो वापस चला जाऊंगा। तुम किसी की बात क्यों नहीं मानते हो क्रिश? देखो, यहाँ पर कोई नहीं बदलेगा। मान लो अगर सब कुछ बदल भी गया तब भी मेरे पापा तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। वही बात तो मैं भी चाहता हूँ भूमि। तुम्हारे पिताजी को बदलना ही पड़ेगा, लेकिन मुझसे शादी करवाने के लिए नहीं। तुम्हें तो कहा था ना, अगर मैं उन्हें पसंद आ भी गया तो तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। समझ लो कि मैं अचानक उन्हें पसंद आ गया। अरे बाप रे बाप, ऐसा हुआ तो तुम्हारी सहेली मेरी गर्दनी काट देगी। हमारे गांव की लड़की को भगा के ले जा रहा था। तुम भी उससे प्यार करती हो क्या? करती हो क्या? तो फिर ये बात अपने घर वालों को बताने के बजाय तुम ऐसे भाग क्यों रहे थे? अगर ये उस लड़के से शादी करेगी तो हम उसे जिंदा काट देंगे। तू इसका साथ मत दे। इसलिए ये लोग भाग रहे थे। उस गांव और इस गांव के बीच में जो दुश्मनी है उसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। hey, तुम लोग उस गांव वालों से इतनी नफरत क्यों करते हो? दो भाइयों की आपसी दुश्मनी को पूरे गांव में फैलाकर उस दुश्मनी की आग पर रोटी सेकने वाले तुझ जैसे खुदगर्ज इंसान को इंसानियत ही समझ में नहीं आती तो तू प्यार का रिश्ता क्या समझेगा? खुद से पूछ तू कितना गिरा हुआ इंसान है। तुझ जैसा इंसान अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी इंसान की बलि चढ़ा सकता है, चाहे फिर वो तेरी माँ हो या बेटी ही क्यों ना हो। तू जानता है तेरी गलती क्या है? तू उस गांव वाला है। चल भाई, वो जा रहा है, दोबारा हमें नहीं मिलेगा। आप हाँ कहिए, हम उसे जमीन में गाड़ देंगे। कौन बोला ये? कौन है वो? अगर मर्द है तो सामने आए, भले सारा गांव एक तरफ हो जाए, मैं इस लड़के के साथ रहूंगा। जिसे भी अपनी जान प्यारी नहीं हो वो सामने आए। एक बार जो मैं कमिट कर देता हूं उसे पूरा करता हूं, चाहे कुछ भी हो। दम है तो रोक के दिखा मुझे। हमारे गांव के लड़के पर उन लोगों ने हाथ डाला है, काट डालूंगा सबको। हट जाओ यहां से। रवि, 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 ये क्या हो गया बेटा? ये क्या हो गया? तूने क्या कर दिया? तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ बेटा? तेरे जिस्म पर आए हर एक जख्म के बदले उन्हें अपने हाथ पैर गंवाने पड़ेंगे। बस इतना ही सर, उनका सर नहीं काटेंगे। इस लड़के की इस हालत के लिए सिर्फ वो ही नहीं आप भी जिम्मेदार हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अपना सर काटेंगे, पैर काटेंगे या फिर पूरा शरीर काट देंगे?
आप खुद को इस लड़के का बड़ा भाई मानते हैं, इसलिए इसके इस हालात पर आपको बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन इसकी असली वजह जानते हैं? इसने जो सम्मान और प्यार आपको दिया है, उसे कोई मिट्टी में न मिला दे, उसका डर है इसे। आप सोच रहे होंगे कि ये जिंदगी में आगे चलकर कुछ बनेगा। जो इंसान अपना प्यार हासिल न कर पाया हो, वो जिंदगी में क्या हासिल करेगा? इसका पालन पोषण आपकी दया से हो रहा है, तो इसे सजा देने का हक भी सिर्फ आप ही को है। बड़े भाई के रूप में आप इसे इसका प्यार दिलवाएंगे या फिर इसके प्यार के दुश्मन बनेंगे, फैसला आपका है सर। नहीं, नहीं, इस घर का दामाद बनने के एक भी गुण नहीं उसमें। क्या सोचकर तुमने उससे प्यार किया था? तुम्हें अब उसे भूलना होगा, इसी में तुम्हारी भलाई है। आओ, आओ रणवीर महारथी कृष्ण, अपने आप को तुम समझते क्या हो? अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए तुम्हें यही घर मिला? 25 साल से जिस घर की कोई एक ईंट भी नहीं हिला सका, उस घर में आकर तूने उस घर की नींव तक हिला डाली, खुद को समझता क्या है? तो इस घर में है इसीलिए तेरी सांसें चल रही हैं, नहीं तो कब का तेरा खेल खत्म हो चुका होता। तुझसे हम लोग इतनी नफरत करते हैं, फिर भी तू बेशर्मों की तरह इस घर में पड़ा हुआ है। क्या सचमुच तुझ में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? छी, तेरी मीठी मीठी बातों से और भोली सूरत से मेरी बेटी बहक गई होगी, लेकिन इस घर का दामाद बनने के लिए सिर्फ उसी की पसंद काफी नहीं है। इन्हें पसंद आना चाहिए, इन सबको पसंद आना चाहिए, मुझे पसंद आना चाहिए, इतना ही नहीं पूरे गांव को पसंद आना चाहिए। लेकिन तुम किसी को भी पसंद नहीं आए। कान खोलकर सुन लो, मेरी बेटी पर, मेरे घर वालों पर सिर्फ मेरा ही हुक्म चलता है। इस घर की इज्जत बचाने के लिए जिसके अंदर हिम्मत होगी वही इस घर का दामाद बन सकता है। तेरे जैसा नालायक करो। बहुत हो गया भाई साहब, इनके रिश्ते के बारे में हम सब की और पूरे गांव वालों की क्या राय है पता है? आप सिर्फ नफरत की बातें करते रहते हैं, प्यार क्या होता है ये हम जानते हैं। अपनी बेटी के हाथ पीले करके उसे खुशी से तो जीने नहीं देना चाहते, लेकिन हमारी गलतियों को सुधार कर सही रास्ते पर ले आने वाला समझदार और सुलझा हुआ लड़का है ये। इसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं आपने अभी जाना कहाँ है? फूफा जी, वो आपसे बड़े हैं, ऐसी बात। इन्हें बड़ा कह रहा है? इनके जैसे लोग बड़े नहीं हो सकते, इनके पास दिल ही नहीं है। क्या हुआ, मुंह से आवाज नहीं निकल रही? मुझे भी घर से निकालना है। आज तक तुम्हारे दशरथ में ही जीते आए हैं, अब अगर निकाल भी दिया तो मेहनत करके जीने की हिम्मत हमें आ गई है। और ये हिम्मत देने वाला कौन है पता है? ये क्रिश, ऐसा है ये लड़का। क्यों भाई साहब, आपके पैरों की चप्पल थे ना हम लोग? हम तो इस घर के दामाद हैं, बड़े बड़े खाते रहते थे पर घर तोड़ने की कोशिश कभी नहीं की। तुम्हारा घर तोड़ने की कोशिश की तुम्हारे दोस्त रामेश्वर ने और उसके बेटे को दामाद बनाने चले हो, लेकिन इस घर यानी वृंदावन को किसी ने बचाया है तो वो और कोई नहीं बल्कि एक क्रिश है, और आप इसे इस घर का दामाद बनने लायक नहीं समझते। बड़े भैया, भूमि जिस लड़के के प्यार पर भरोसा करके उसे आपके पास लेकर आई थी, और हम भी नफरत को भुलाकर उससे प्यार करने लगे थे, हमें प्यार का पाठ पढ़ाने वाले क्रिश को हम कभी नहीं भुला पाएंगे भैया। बड़े भाई, आपकी बात को हम लोग और पूरे गांव वाले हमेशा हमेशा से मानते आए हैं। आपके साए को भी हमने कभी नहीं लांघा, इसलिए मैं सच कह रहा हूं, इस पूरे गांव में हम ही नहीं सबके सब ये कहते हैं कि हमारी भूमि के लिए इससे अच्छा दूसरा लड़का नहीं मिलेगा। भूमि की खुशहाल जिंदगी के लिए इसे हमें अपने परिवार का हिस्सा बना लेना चाहिए भैया। सर 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 सर, इन लोगों की बातों को दिल पर मत लीजिए सर। सर, ये मुझ जैसे नालायक की बात में आकर आपको कुछ न... मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। नालायक तुम नहीं हो, मैं हूं। अपनी बच्ची के प्यार की मैं कद्र नहीं करता, उसकी पसंद को पसंद नहीं करता, ये सब झूठ है। मुझे बहका कर इस बात के लिए मजबूर किया गया था कि मैं तुम्हारे खिलाफ रहूं। तुम किसी को पसंद नहीं हो, मुझे पसंद नहीं हो, ये बात मैं बार बार क्यों कहता था जानते हो? वो प्रीतम तुम्हारी जान कभी भी ले सकता है, इसी डर से मैं कहता था। इसीलिए मुझे जानबूझकर ये नाटक करना पड़ा। भूमि जब 2 साल की थी तभी उसकी माँ उसे छोड़कर चल बसी। हम मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही सहारा, और वो है मेरी ये गुड़िया, यही है मेरी जान,
ये मुझसे दूर कहीं न चली जाए, इसीलिए मैंने इस पर पाबंदी लगाई। अपनी सगी बहनों को अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकता, इसीलिए सबको अपने पास रखा। अपनी बच्ची के प्यार का विरोध करने के लिए मैंने हिटलर का रूप ले लिया, और ये सब मैंने इस डर से किया कि कहीं मेरी बच्ची मेरी आंखों से दूर न चली जाए। इन सब को तुम्हारे खिलाफ खड़ा करके तुम्हें भगाने की मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं हार गया और तुम जीत गए। तुम अपने प्यार को मुझसे मिलवाने के लिए लाई थी, आज मैं तुम्हें उसी के हवाले कर रहा हूं। ये मुझे बहुत पसंद है। बोलो मधु। क्रिश, I love you. वो मैं जानता हूँ, आगे बोलो। बाप रे, अब कहीं जाकर मेरा टेंशन दूर हुआ है। क्रिश, एक गुड न्यूज है, मैंने घर वालों को सब कुछ बता दिया है, वो राजी हो गए हैं। तुम्हारे घर वाले भी राजी हो गए? हाँ मेरी जान। कहते थे कि जिस लड़के से तुम प्यार करती हो उसे एक बार मिलवा दो, और मैं अक्सर अपने पापा की बातों को नकारती रही। पर अब बहुत हो गया क्रिश, अब तुम यहाँ से चले जाओ। अगर अभी मैं यहाँ से चला गया तो तुम्हारी पूरी फैमिली मुझ पर 400 बीसी का लेवल लगा देगी, और जरा सोचो कि अगर तुम्हारे परिवार ने कभी सच्चाई को उजागर कर दिया तो तुम्हारे पिताजी पर क्या गुजरेगी, जरा सोचो इस बारे में। वो मुझ पर भरोसा करने लगे हैं, इससे पहले की बात आगे बढ़े चलो उन्हें सच बता दे। क्या? मेरे पापा से? अगर हम ही ने सच्चाई बताई तो उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचेगी। चलो मैं आपके बेटे को इस घर का दामाद बनाना चाहता था, लेकिन मुझे अफसोस है कि भूमि अब आपके घर की बहू नहीं बनेगी। बरसों पहले आपने वादा किया था, अपने वादे को क्यों भूल रहे हो? भूमि क्या उस लड़के के साथ खुश रह पाएगी? जिस लड़के को वो पसंद करती है उसी के साथ वो खुश रह पाएगी, और उसकी खुशी ही हमारी खुशी है। ये है भूमि की पसंद क्रिश, इनकी खुशी के बीच दीवार बनना एक बाप को शोभा नहीं देता। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे आपकी बेटी को खुश रखने के लिए क्या करना होगा बताइए। उसे भर पेट खाना खिलाऊंगा, उसका पूरा शरीर में गहनों से भर दूंगा। शादी के बाद मैं आपको एक दर्जन बच्चों का नाना बना दूंगा, इतना ही काफी है, या फिर अपने पालतू कुत्तों से भी उसे नौचवाना होगा। खामोश! मैं आज तक तेरे आगे पीछे पूछ लाता रहा, एक पालतू कुत्ते की तरह वफादारी की। भूमि मेरी हो जाएगी इसी आस में, अगर तूने उसका हाथ मेरे हाथ में नहीं दिया तो मैं तेरे सामने। इस वक्त तेरे सर पर जो सवार है वही मेरे सर पर भी सवार है। दिल करता है कि तुझे खड़े खड़े चीर दूं यहीं पर, फिर कभी इस घर के लोगों पर हाथ उठाया तो खाना खाने के लिए तेरा हाथ नहीं बचेगा। तेरे बेटे ने मेरे गिरेबान पर हाथ डाला और तू चुपचाप खड़ा होकर देखता रहा। आज मैं समझ गया कि अपने और पराए में क्या फर्क होता है, और इस बात का एहसास इसने करा दिया।
आज तक मैं ये सोचता रहा कि तेरा बेटा ही मेरा वारिस बनेगा, लेकिन कान खोल कर सुन ले, आज से ये बनेगा हमारी खानदानी पुरखों की इज्जत का रखवाला और यही बनेगा मेरा दामाद, मेरा वारिस। आज तीन में सांप पालने की गलती मत करो, एक दिन वो तुम्हें ही डसेगा। चल चुप, तुझ जैसा शैतान क्या जाने, तेरी बातों में आकर मैं अपने ही खून से नफरत कर बैठा, सगे भाई को अपने घर से निकाल दिया, बाप का भी बंटवारा कर डाला। आज मैं समझ पाया हूँ कि मैंने क्या क्या खोया तुझ जैसे मनहूस के कारण। अब मैं खुद जाऊंगा अपने भाई के पास और उसे मना कर मैं यहाँ पर लाऊंगा। जिस घर को तूने तोड़ा है उसे मैं फिर से जोड़ूंगा। ए, जाओ गाड़ी निकालो। आओ क्रिश। सामने तुम्हारा दुश्मन नहीं भाई खड़ा है, मैं इन सबको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं। बाबूजी, मेरे भैया आए हैं। मेरी बेटी आई है। भैया आपने इसे कभी नहीं देखा, हमारी आंखों का तारा है ये मधु, हमारे लिए सब कुछ यही है। कृष्णा जी आ जा। मधु ये कृष है, भैया का होने वाला दामाद। हाय कृष। मैं मधु। भूमि मेरे भैया की बेटी। भूमि इस हीरे को ढूंढ कर कहां से लाई है पता नहीं, 100% खरा सोना है ये, देख रही हो ना, यहां ये खुशियों का माहौल इसकी वजह से ही है। कृष्णा अगले गुरुवार को तुम्हारी और भूमि की मंगनी का मुहूर्त है। अपने घर वालों को यह खुशखबरी आज ही दे दो बेटा, मैं चाहता हूं कि यह शुभ कार्य जल्द से जल्द संपन्न हो जाए, तुम्हारे जैसा दामाद किस्मत वालों को मिलता है। कृष अपने मम्मी पापा को फोन करो। जाओ। जिससे मधु की शादी होनी चाहिए उससे मेरी शादी हो रही है, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकती,
मैं पापा को सब कुछ बता दूंगी कृष। अभी ऐसा कुछ किया तो तुम्हारे साथ साथ मधु की शादी भी रुक जाएगी। तो फिर इस एंगेजमेंट को कैसे रोकेंगे? तो दिखावे के लिए शादी कर लो, सेटलमेंट का अग्रीमेंट समझ कर। हाँ? अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, जो नाटक हम तीनों ने शुरू किया था उसमें अब हमारी फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई है। क्या कहती हो भूमि? ए, कुछ तो जवाब दो। मैं क्या बोलूं? मेरी जिंदगी सीधी सीधी जा रही थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी तबाह होने जा रही है। तुम दोनों मिलकर मेरी जिंदगी के साथ खेल रही हो। तुम दोनों रिश्तेदार हो, तुम्हें पता नहीं था क्या? हमें नहीं पता था कृष। मैंने इसे पूछा था, इसने कहा था मैसूर और मैं तो मंडिया की हूँ। ओ मेरी देवियों, काश ये बात मुझे पहले पता होती कि तुम दोनों मैसूर की महारानी हो। कहाँ से तुम दोनों मेरी किस्मत में आ गई? एक मिनट। हाँ बोलिए डैडी। कैसे हो बेटा, क्या कर रहे हो? तुम्हारा टूर कैसा है? तुम एंजॉय कर रहे हो ना? कपड़े उतार कर नंगा नाचने को दिल कर रहा है डैडी। रियली? हाँ, मेरा मतलब ठंड इतनी है कि गर्म कपड़े बहुत पहन लिए और पसीने से लथपथ हो गया हूँ। इस वक्त तुम हो कहाँ? हाँ, नायग्रा फॉल्स पर हूँ डैडी। संभल के, वहाँ बिन मौसम बर्फबारी होती है। सही कह रहे हैं डैडी, इसलिए अभी मैं दो कयामतों के बीच में बुरी तरह फंस गया हूँ। आप कहाँ हैं डैडी? मैं अभी आपके पास आ जाऊँगा। कयामतों के बीच में हो तो छोड़ के क्यों आओगे? एंजॉय। ओह, आपको भी इसका तजुर्बा है क्या? ओके डैडी। ऑल द बेस्ट। डैडी ने कहा है कि कयामतों को एंजॉय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम एक काम करते हैं, जैसे तुम भूमि के नकली बॉयफ्रेंड बने वैसे मॉम डैड भी मिल जाएंगे। ए, 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 ए। ऐसे सड़े आइडिया तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आते हैं? बोलो जरा। अपनी लाइफ को बहुत ही डिसेंट और सुलझे हुए तरीके से जीने वाला लड़का हूँ मैं। मैं सोच रहा था कि तुम मेरे लिए एकदम फिट हो, लेकिन तुमने मुझे किसी और के साथ फिट कर दिया। देखो, एक आदमी दो शादी नहीं कर सकता, ये कोर्ट का ऑर्डर है। तुम दोनों मुझे गुब्बारे की तरह फुला फुला कर फोड़ने पे तुली हुई हो। फोड़ लो। तुम्हारे पिताजी है या फिर गरजती हुई बिजली, ये मैं भी देखूंगा। बोला मेरे डैडी और ये है मेरी मम्मी। दी मामा जी। लाइए। अरे अरे, अपने पिता से कितना प्यार करता है। आजा अंकल, आजा मेरे बच्चे, आजा भाईसन, भाईसन, आजा आजा आजा। ये सब क्या हो रहा है भैया? अरे मैं उन्हें यहाँ बिना बताए चला आया था, लगता है डैडी का गुस्सा अभी भी नहीं उतरा। डैडी 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 आपका गुस्सा नहीं उतरा? मैं यहाँ बिना बताए चला आया, मैं माफी चाहता हूँ। तू मेरा बेटा है, बॉडी सेम थी इसलिए कंफ्यूजन हो गया। हाउ आर यू माय सन? ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करना, आधा बड़ा फूट चुका है। बाप बनने का मौका मिला, वो भी तेरे जैसे बेटे का। वेलकम डैडी। चट्टे, मेरा सूटकेस लेकर आइए मम्मी जी। हेलो हेलो हेलो। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बुलशिट, सफर कैसा रहा? खाना खाया कि नहीं? आप ठीक तो है ना? ऐसे सिली क्वेश्चन से मुझे एलर्जी है। आज समथिंग रोमांटिक है। वापस कब जाओगे? डैडी, ये है भूमि, होने वाली बहू, और ये है होने वाले ससुर, और ये है लड़की का भाई। गलाल हो जाएगा। डैडी, ये है इनके भाई। एडजस्ट कर लो, कोई किसी का भी भाई हो सकता है। मेरी जैसी स्ट्रॉन्ग बॉडी है, जिम जाते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, सुबह सुबह दो चार की मुंडी काट कर दिन की शुरुआत कर लेता हूँ। मैं भी पहले यही करता था, अब छोड़ दिया। समथन जी, आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। वो कुछ पूछ रही हैं, डरो मत, जवाब दो। जब ये बोलते हैं तो मैं चुप रहती हूँ। देखा, एक जवाब में पैसा वसूल। ये लड़की आपकी दूसरी बेटी है क्या? और एक्टिंग नहीं। रॉन्ग, ये मेरी बेटी है। ये मुझे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, देख मैं इसकी कैसे बैंड बजाता हूँ। बस तू बीच में मत बोलना। तुम्हारी लड़की भी जवान हो चुकी है ना? मेरे बेटे जैसा कोई हो तो इसकी भी शादी करवा दो, एक ही खर्चे में। ऐसे क्या देख रहे हो, सिंगल स्कीम में डबल प्रॉफिट। कैसा लगा पंच मेरा? लगता है दांत तोड़वाना है। वैसे भी थोड़े कम है। क्या दिमाग मिला है आपको, सुपर। बेटे से बढ़कर बाप, तुम्हारा क्या इरादा है मधु? किस बारे में पापा? वही तुमने फोन पे कहा था ना कि शहर में किसी से प्यार करती हो और शादी करना चाहती हो, तो उसे भी यहाँ पर बुलवा लो। वो तो दरअसल, वो तो पापा, मधु दोनों की शादी एक ही साथ हो जाएगी, उसे बुला लो बेटी। बात ये है कि वो मुझसे नाराज होके कहीं चला गया है पापा। अगर वो हमें पसंद नहीं आए तो हम उसे ठुकरा सकते हैं, लेकिन तुमसे रूठ कर जाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? ठीक नहीं किया उसने।
ये उनका फैमिली मैटर है, तुम देवदास क्यों बन रहे हो? चलें क्या? चलो 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 काम चल चट्टे। देख भाई मैंने तेरे को समझा दिया ना। हाँ भाई, शहर में एक लड़के ने मेरी बेटी को धोखा दिया है। हाँ। मधु के कॉलेज में जाओ और पता लगाओ कि वो कौन है, और दो दिनों के अंदर उसे यहाँ लाकर हाजिर करो। जाओ। ले क्या दे भाई। वाव, कमरा तो बहुत ही अच्छा है। ए गुरिल्ला, तुम यहाँ क्या काम करने आए हो और कर क्या रहे हो? हाँ, इस घर की बच्ची की शादी के लिए तुम क्यों कमेंट कर रहे हो? देखो क्या समझा रहा है, अवार्ड विनिंग एक्टर हूँ मैं। मैं तुझे क्या कोई जोकर जैसा लग रहा हूँ क्या? जैसा स्क्रिप्ट में है वैसा ही जा रहा हूँ, स्क्रिप्ट से अलग बिल्कुल नहीं। और तू मुझे सिखा रहा है नॉन एक्टर, जरा अपने आप को कंट्रोल में रख। एक और नया बकरा आ गया। यहाँ क्या चल रहा है मैं नहीं जानता, बट आई नो मुझे क्या करना है। अगर गलती से मैंने कुछ सही बोल दिया तो क्या होगा तुम भी जानते हो। सो कीप क्वाइट, अभी तुम मेरी मुट्ठी में हो, पीस पीस के तेरा भुर्ता बना सकता हूँ। सॉरी अंकल, मैंने जो कहा वो आप भूल जाइए, आप कुछ ऐसा करना करो। ठीक है हाथी से पीछे। कौन अंकल, कैसा अंकल? सॉरी डैडा। दैट्स गुड डैडा, जाके प्रैक्टिस करो। अरे वाह, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि खुद को आईने में देख रहा हूँ। सेम टू सेम है ना भैया? शुरू शुरू में लगता है कि सब कुछ हमारे ही हाथ में है, लेकिन अचानक भाई के हाथ में चला जाता है। ये लंगूर कौन है? कितने में खरीदा इसे तूने? हैं? आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है मुझे सब दिख रहा है ना भैया? अबे गाड़ी है ऊंट नहीं। अरे उसने उसका चुम्मा लिया। अबे उन दोनों का रिश्ता तय हो चुका है, एंजॉय करने दो ना। चुम्मा लेफ्ट वाली ने लिया होता तो ठीक है, राइट वाली ने लिया। तूने कहाँ देखा बे? शीशे में। शीशे में हमेशा उल्टा ही दिखता है। तू गाड़ी चला। मैंने तो सही चला ना। फॉलो मी, आई एम योर लीडर। मैं जो बोलूंगा तुम सबको फॉलो करना पड़ेगा। ओके फॉलो मी। कौन चाहिए कंफर्म कर लो। भाई भाई भाई, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है भाई। चुम्मा लेफ्ट साइड से आता तो ठीक था, राइट साइड से क्यों आया ये मेरी समझ में नहीं आया भाई। दो दो बिलियों से मत खेलो, काट लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ए बोल बच्चन, राइट लेफ्ट छोड़ो और ये बता। हाँ। कि तूने शीशे में चुम्मा लेते हुए किसे देखा? मुझे तो शीशे में मधु जैसी ही दिखाई दी। ऐसा लगा था तो फिर वही होगी। अरे यार, बड़े मामा की लड़की तो ठीक थी, छोटे मामा की लड़की को क्यों पटा रहे हो? बिल्ली जी भैया, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम उसे अच्छे से मैनेज करोगे। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस ऐसे ही होता है। चला, कौन सा कॉन्फिडेंस है? जरा वाला दिखाना तो। अरे वो नीचे वाला, नीचे वाला। ये ओल्ड फैशन नहीं चलेगा भाई। सुनो अंकल, शादी के लिए कितने जोड़े कपड़े चाहिए? दो जोड़ी ले लेते हैं। सिर्फ दो जोड़े? सुनो हनी, कम से कम 20 साड़ियां ले लेना। ठीक है जी। अच्छा अंकल, लड़के के लिए कितने जोड़े कपड़े बोल रहे थे? ग्रीस तो ही बता दे। पापा जी वो चिल्लरों से ऐसा बात नहीं पूछते, जाके 3 जोड़ी ले लो। जा। जी डैडी। अरे कम से कम 30 जोड़े तो चाहिए ना। दिखने में तो गुरिल्ला लगते हो, लेकिन बातें मेरी जैसी करते हो तुम। क्यों बेटा है? वेरी गुड वेरी गुड। माँ देखो तो, माँ देखो ना। नहीं अच्छा लगा। माँ तू चिल्ला क्यों रही है? मैं यहीं तो खड़ी हूँ। देखो ना माँ, ये कलर कैसा लग रहा है मुझ पर? कलर तो इसका सुपर फैंटास्टिक है, लेकिन तुम पर अच्छा लगेगा मुझे डाउट है। क्या बात है क्रिश, तू तो इसे ऐसे बात कर रहा है जैसे तू इसे पहले से जानता है। ऐसा तो कुछ भाई की स्टाइल ही ऐसी है। भाई सुपर है, कोई बात छुपाते नहीं, डुबक करके बाहर निकाल देते हैं। इतनी छोटी बात के लिए भाई को क्यों तकलीफ देनी? मैं ही कह देता हूँ, मधु ये साड़ी तुम पर बिल्कुल नहीं जचेगी, चुड़ैल जैसी लगोगी। आठू कचरा। किसी की भलाई करने जाओ तो खुद की धुलाई हो जाती है, सबके सामने मेरी बेइज्जती होगी, मुझे उम्मीद नहीं थी भैया। तो बुरा मत मान बिल्ली, ऐसा होता है, जाने दे छोड़ना। कूल डाउन। अबे गधे के बच्चे कहाँ चले गए? जल्दी आ गया डैडा, ट्रायल कर गया। अपने बेटे के कपड़े आप क्यों सेलेक्ट कर रहे? मैं एक कड़क फादर हूँ, जरा भी ढील दे दी ना तो सर पे बैठ के सुसु करेगा, नखरा किया तो पूरे शहर में नंगा घुमाऊंगा। अरे बाप रे, देखना पड़ेगा क्या हो रहा है।
ए, तुम यहाँ कैसे? क्यों? मैं साड़ी में अच्छी नहीं दिखती, सिर्फ मॉडर्न ड्रेस में अच्छी लगती हूँ। अरे यार क्या कर रहा है पता नहीं। अब मैं अंदर का सीन कैसे देखूं? अब ये गधा भी आ गया। एसी चालू है फिर भी पसीना आ रहा है। बैठा पर सब कुछ हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। यार कैसे कपड़े हैं समझ में नहीं आ रहा। सॉरी आप यही रुकिए, मैं अभी ट्रायल लेकर आता हूँ। वो जानने की कोशिश मत करो, वो दिखने में ही शांत लगता है, पास जाओगे तो 1000 वोल्ट का झटका लगेगा, बहुत डेंजर है। तो मुझे डरा क्यों रहा है? आपके भी पसीना छूट गया ना, अब तो मेरी बात समझ गए। पचक पचक मेरी पैंट गीली करके चला गया। क्या करने आए थे और क्या करने लगे, ये मतलब का झंझट। तुम दोनों यहाँ विराजमान हो, जब तुम दोनों यहाँ हो तो भाई भी आ ही जाएंगे। आ जाएंगे आ जाएंगे, चाहे वो कहीं भी होंगे जरूर आ जाएंगे। सब लोग आ गए, वो किधर गया? आप तो नहीं गया? इस बार मिस नहीं होने देंगे गुरु। भगवान को प्यारा तो नहीं हो गया? अभी तक तो नहीं भाई, उसी के लिए गाड़ी में बैठ के इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उसकी गाड़ी निकलेगी फोन करके आपको बता देंगे। ए, 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 पागल की तरह भाग क्यों रहा है रे? भाई जिसका इतनी देर से हम लोग वेट कर रहे हैं ना भाई, उसका वेट करना बेकार है। ए चलो रे, बिना आवाज किए इन लोगों को कैसे सलटा दिया भाई। मुझे एक छोटा सा डाउट है, हम जितने आए थे उसमें से एक कम है। क्या हुआ, मिल गया क्या वो बदमाश? हम ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा भाई। एक काम करो, उसके माँ बाप को यहाँ पर उठा लाओ, वो खुद ही आ जाएगा। ठीक है भाई। अरे ये सब क्या हो रहा है? हमें पकड़ के ले आए हैं। What is all this?
ये तो नहीं। आगे आओ, नीचे उतारो। चलो, what is all this? भाई, ये रहा उसका बाप। ए बेवकूफो, ये हमारे होने वाले समधी हैं। इज्जत से पेश आओ। सॉरी समधी जी, गलती हो गई सर, आइए बैठिए। समधी कह रहा है, ये सब क्या है? बेटी मधु, आपने बुलाया पापा? मधु अंकल, आंटी, आप लोग यहाँ? ये सब क्या गोलमाल है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटी, समझ में आ जाएगा। इन्हीं का लड़का है ना जो तुम्हें धोखा देकर भाग गया था? भाग गया था? मेरा बेटा वर्ल्ड टूर पे गया है। या वर्ल्ड टूर पे गया है? ए, वो चाहे अमेरिका जाए या फिर अलीबाग, उसके आने तक तुम लोगों को यहाँ बगीचे में पानी डालना पड़ेगा। दिस इज नॉट फेयर मैन। बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है, उन्हें अच्छे संस्कार देना बड़ी बात होती है। ए, तू बाप से ज्यादा गधा लग रहा है। ए, नमूने, इनके लड़के से मिलोगे, छत्रपति शिवाजी की तरह शेर है, असली बब्बर शेर। अपने लड़के को जरा बुलाइए तो ये भी देख ले। ए कृष्णा, ओ गॉड, मेरा संस्कारी बेटा। आदेश कीजिए डैडी। ए, तुम्हारे छोटे ससुर जी के समधी आए हुए हैं, उन्हें नमस्ते करो। ए कृष्णा, ये क्या कर रहा है तू? यही तुझे अब तक सिखाया मैंने? माना कि वो गरीब हैं, लेकिन उम्र में हमसे बड़े हैं। नमस्कार करो। नमस्ते अंकल। ये क्या डैडी, बिना बताए आप यहाँ आ गए, जरा इन्फॉर्म तो कर देते। मेरे प्यारे लाल, तुम तो साउथ अफ्रीका की कहीं बर्फीली वादियों में घूम रहे थे ना, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। यहाँ आकर किसी दूसरे मम्मी डैडी को सेट कर लिया, हमसे प्यार नहीं करता? सॉरी मम्मी, सॉरी पा, बस छोटा सा झूठ बोला है। देखिए, बचपन में आपने कई बार ऐसी शरारत करने की सोची होगी, लेकिन नहीं कर पाए, तो आप कैसे की, मैंने कर दी, बस इतनी सी बात। क्रिश, इतनी दूर तू यहाँ क्यों आया? इसलिए सब किया माँ। अब ये क्या हुआ? मधु देखो कौन है। तुम हो अंकल भूमि? मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी हुई, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। तुमने अगर गलत कदम उठाया होता तो मेरा बेटा क्रिश तुम्हें कभी भी सपोर्ट नहीं करता। मेरा बेटा कभी गलत का साथ नहीं देता। ये हुई ना माँ वाली बात। ये बात डैडी को भी समझाओ ना, वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। मुसीबतें पीछे छोड़ने का नाम नहीं ले रही, ऊपर से ये दो नमूने। क्या है मम्मी, ये कैसी ड्रेस पहन रखी है आप लोगों ने? अरे क्या बताओ, ड्रेस बदलने का मौका ही नहीं दिया, जबरदस्ती खींच लाए। बच्चे, तुझे तेरे बाप की वार्डरोब की साइज पता है ना? अब देख तूने हमें किस हाल में लाके खड़ा कर दिया। हेलो हेलो। हे भगवान, कोई फोन नहीं आया तो ये हेलो हेलो क्यों कर रहा है? ये सब क्या है जी? मैंने तुम्हें कहीं देखा है। देखा है? याद आया, पिछले साल मंदिर के महामेले में तुम्हें देखा था। पिछले साल नहीं, इसी साल। इस साल? अरे अरे, इस साल तो मेले का वक्त ही नहीं आया। बुढ़ापे ने मेरी याददाश्त कमजोर कर दी है। छोटे भैया, जिस तरह हम एक साथ बैठे हैं ना, ये सब मुझे एक सपना जैसा लग रहा है। ये लड़का अगर पहले आ गया होता तो हमारे दिलों की दूरियां कब की मिट गई होती। सही कहा। दामाद जी, कुछ भी हो लेकिन आप तारीफ के काबिल हो। भाई, तारीफ के काबिल तो आप भी हैं। ए, जब मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं तो तुझे बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है?
आज से ये कृष्णा ही हमारे रथ का सारथी है, याद रखना। ठीक है भाई। सभी लोग कृष्ण के बारे में सब कुछ बता चुके हैं, अब तू भी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता। माँ, मेरे बॉयफ्रेंड का इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह है। यहाँ एक बांसुरी, वहाँ एक बांसुरी, और ना जाने कितनी होंगी। ये बांसुरी की माया बांसुरी वाला ही समझेगा, मुझे क्या करना। मेरे बॉयफ्रेंड ने कितने प्यार करने वालों को मिलाया है पता है? वो सबसे अलग है और मेरी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। सुन तो, उस लड़की के बारे में इतनी तारीफों की पुल बांध रही है, तो फिर हमें कृष के बारे में कितनी तारीफें करनी चाहिए पता है ना? चल तू भी कृष के बारे में बोल। बता ना, क्या तेरा कृष तेरी खुशी के लिए अपनी जान दे सकता है? चल बता भी दे, बता ना। क्यों, मेरा बॉयफ्रेंड दूसरों के लिए अपनी जान देगा क्या? मेरे बॉयफ्रेंड का और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दो प्यार करने वालों को मिलाया और मेरे बॉयफ्रेंड ने दो परिवार को मिलाया है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? मेरा बॉयफ्रेंड मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है ना? एक बॉयफ्रेंड से या तो उसकी गर्लफ्रेंड खुश हो सकती है या फिर उसके घर वाले खुश हो सकते हैं, लेकिन मेरे कृष से सारा का सारा गांव खुश है। थैंक्स कृष। अंकल, उसने तो अपने बॉयफ्रेंड की तारीफ में बहुत कुछ कह दिया, अब आप अपने बेटे के बारे में बताइए। मेरा लड़का इस जमाने में सुपर है। हेलो, आपका बेटा सुपर तो मेरा बेटा बम्पर। लेकिन तुम्हारा लड़का किधर है जो उसकी इतनी तारीफ कर रहे हो? मेरा बेटा मेरे पास बैठा है फिर भी मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? बोल ना बे। बोलती क्यों बंद हो गई? कुछ तो बोल। अरे बोलना कुछ। दादा 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 दादा, कूल डाउन प्लीज। माय सन, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। हेलो, सिर्फ बच्चे पैदा करके कोई महान नहीं हो जाता है। जब ये पैदा हुआ था तभी मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि पूरी दुनिया में ये नाम करेगा, मेरा बेटा है जो। लुक एट माय सन, ही इज ग्रेट। माय सन, आई लव यू, आई लव हिम। हेलो, लाखों करोड़ों की कमाई एक तरफ, बीच में मत बोल यार, फ्लो बिगड़ जाता है। इस तरह का हीरा पैदा करना एक तरफ, ऊपर से जा रहा है यार। हेलो, व्हाट अबाउट यू? एक लड़के को तुमने भी पैदा किया जो तुम्हें ही छोड़कर भाग गया। अंकल, अपने फ्यूचर के बारे में आपको कुछ समझ में आ रहा है? मेरा फ्यूचर ब्राइट है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और वो ब्राइटनेस इसी के हाथ में है। He is so strong, you know? डड्डा, चले सो जाते, नहीं तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी। चल बेटा। समधी जी, क्या किस्मत पाई है आपने, लगता है अब भी आपका बेटा आपके साथ ही सोता है। Yes, that's my son. He is great. चले। Yes, my son. Come on. जरा दरवाजा बंद कर देता। सबको हिला कर रख दिया। देखा, तेरे ससुराल वाले कैसे शॉक्ड हो गए। इसे कहते हैं अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस, एक्टिंग। एक चांस मिल जाए तो पूरी दुनिया में छा जाऊंगा। लेकिन फाइट तो स्क्रिप्ट में नहीं थे। दूसरों के फटे में टांग क्यों उड़ाता तू? हाँ, है तो लंगूर जितना और बातें इंसानों जैसी। दीवाना मिला के एक। लगता है तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस देखने की आदत नहीं है। मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। मेरी तारीफ कर रहा था? सारे किए धरे पे पानी फेर देगा तू? हाउ इज पॉसिबल? क्योंकि उनका लड़का मैं ही हूँ। तो वहाँ क्या छोड़ रहा था लंबी लंबी? मैं बताता हूँ क्या था। हाँ, मुझे तुमने ही पाल पोस कर बड़ा किया। अरे अरे बेचारा, बिल्कुल छोड़ना मत, दो चार और कसके लगाना। मेरा आधा पेमेंट खा गया ना। एक बात और कही थी ना, क्या थी वो? अरे बाप रे, तू डिटेल में क्यों जा रहा है मेरे बाप? नो टैंकी, मैं एक्टिंग कर लूंगा, ये रियलिटी शो मुझसे नहीं होता, मुझे माफ कर दे भाई। अरे हम जैसे आर्टिस्टों के लाखों करोड़ों खा चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो सबके बैंड बजाने की बात कर रहा था। तू चुप, सब जूनियर की। मुझे एक डायलॉग तो मिल गया। ये रिवाइंड करने का टाइम नहीं है। मैंने जो बोला था वो सर को याद है, याद है ना साहब? सर को सब याद रहता है। मैं जितना कहूँ ना उतना ही करना जी भाई, वरना जबान हलक से खींच लूंगा मैं। अगर मेरे डैडी के बारे में कुछ बोला, घटिया एक्टर। अरे नानी, अरे दादा, कहीं का नहीं छोड़ा। अरे एक्सक्यूज मी, बैठ सकता हूँ क्या? भाई साहब, रात को ठीक से नींद नहीं आई क्या? बच्चों, ये सर
वो आपका बेटा है, मुझे बता नहीं सकते थे क्या? क्या हुआ भाई साहब, उसने आपके साथ कुछ किया क्या? अरे क्या नहीं किया, रात को जो बजाया था अभी तक पूरे बदन में वो म्यूजिक बज रही है साहब, बहुत कला है उसके हाथ में। क्या हुआ समधी जी? है? लगता है रात में बेटे के साथ बड़े सुकून की नींद आई। कहाँ सो पाया सर, ऐसा म्यूजिक बजाया कि सो नहीं पाया। लेकिन आप तो अपने बेटे की बहुत तारीफ करते हैं। वो तो उसी के पैसे लिए है ना। उसकी तारीफ आपके मुंह से बहुत अच्छी लगती है, एक बार और कीजिए ना समधी जी। क्यों नहीं सर, इज वेरी स्ट्रांग। इनकी तरह स्ट्रांग है। वाह क्या किस्मत पाई है आपने, सबको ऐसी किस्मत मिले। ऑल द बेस्ट समधी जी। ऑल द बेस्ट सर। मुझे एक डाउट है सर, हम जो कर रहे हैं अगर पता चला कि ये सब एक नाटक है तो हमारा हाल क्या होगा? मुझे बचाने के लिए तो मेरा बेटा है, तुम्हें तो अब शायद ऊपर वाला ही बचा सकता है भाई साहब। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ए, किस सोच पे पड़ी है तू? अब सोचना छोड़ और चूड़ियां पसंद कर अपने लिए। माँ जी, वो लाल चूड़ी आप पर बहुत अच्छी जचेगी, जरा वो पहनिए ना। ये तो अच्छी बात है, आपसे ज्यादा आपके बेटे को हर चीज की पहचान है। ये लीजिए, पहन लीजिए। सॉरी माँ। दिन ब दिन सिचुएशन बहुत ही सीरियस होती जा रही है, इसके पीछे राज क्या है पता लगाना होगा। बिल्ली फिर से बाज के पंजे में फंस गया भैया। क्या कर रहे हो प्यारे? अभी अभी मैंने बीपी का टैबलेट खाया है, अगर पता होता कि आपसे मिलना है तो शुगर का भी टैबलेट खा लेता। उसकी जरूरत नहीं, चलो आ जाओ। भाई ऐसा कुछ मत करना कि हमारे परिवार में भड़ूक करके बम फट जाए, हाथ जोड़ता हूँ भाई। इनकी माया क्या है कोई समझ नहीं पाता। बताओ। क्या बताऊं भाई, होटल के मालिक तो आप हैं, आप जो डिश कहेंगे वही बनाकर दे दूंगा। जरा अपने राइट में देखो। राइट साइड? अरे बाप, ये क्या देख रहा हूँ। कंट्रोल कंट्रोल, संभाल अपने आप को। क्या है तुम और भूमि, लगता है बहुत क्लोज आ गए हो। बिल्ली यहाँ कुछ जलने की बू आ रही है ना। क्या भैया, सब कुछ जलकर पहले ही राख हो गया और हवा का झोंका उड़ाकर भी ले गया, अब जलने के लिए बचा क्या है कि बू आएगी। परसों रात को वो तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बताकर कैसी कैसी बातें कर रही थी। गोपियाँ कृष्ण को अलग अलग रूप में देखती हैं, उसमें कृष्ण का क्या कसूर है? भैया मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, खतरे की घंटी बज गई, छोटे यमराज आ रहे हैं, चलिए ना भाई। दामाद जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं है मामा जी, इंडिया पाकिस्तान के बीच हमेशा टेंशन बना रहता है ना, और पाकिस्तान के टेररिस्ट जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं ना मामा, उस टेंशन को कैसे दूर किया जाए यही प्लान कर रहे थे, है ना भैया? है ना? कबूतर, मैंने तुझसे कुछ पूछा क्या? दामाद जी मधु कहाँ है? मधु मधु कहाँ है पता नहीं है मामा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहीं गायब हो गई है मामा जी? चप्पल से मारूंगा, अकल ठिकाने आ जाएगी। मधु के बारे में फिर कुछ ऐसा कहा तो तुझे ही गायब कर दूंगा बेवकूफ। मामा मधु तो आपके पीछे ही खड़ी है, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटी, नीचे कुछ रस्में चल रही हैं, तुम भी वहाँ जाओ। दामाद जी इसको ज्यादा सिर पर मत चढ़ाना, एक नंबर का मूर्ख है, होशियार रहना। जी चलो बेटी। यहाँ कौन मूर्ख है और कौन होशियार है ये आपको जल्दी ही पता चल जाएगा, है ना भैया? काम हो गया, चल। अब क्या प्रोग्राम है? क्या पुलिस वाला बन गया है? बहुत अच्छा, ढिंढोरा पिटवाकर पूरे गांव के लोगों को खाने पर बुला लो। ठीक है ठीक है, क्या बात है, बहुत अच्छी न्यूज मिली। हाँ क्या बात है समधी जी, आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं, क्या हो गया? कुछ नहीं समधी जी, मेरा एक दोस्त था, एक्टिंग करता था, एक लड़की की हेल्प के लिए उसका लवर बनके अपने बाप को बिना बताए उसके घर पे चला गया। उसके परिवार वाले बड़े दबंग लोग थे, वहाँ के बच्चे बॉम्ब से फुटबॉल और वॉलीबॉल खेला करते थे। अगर वो नाटक आपके साथ होता और आपको पता चल जाता तो आप क्या करते समधी जी? काट के समंदर में फेंक दूंगा। काट के? बोटी बोटी काट दूंगा। मैं भी काट कर फेंक देता, उनके टुकड़े कुत्तों को खिला देता। लेकिन ऐसा करना पाप है, उन्हें अपने पास बुलाकर समझाकर प्यार से अब दोबारा ऐसा मत करना बेटा, उन्हें समझाकर छोड़ देना चाहिए। जिंदगी कोई फिल्मी नाटक नहीं है समधी जी, ऐसा अगर किसी ने मेरे साथ किया तो उसके हाथ पांव काट कर सिर धड़ से अलग करके नारियल पानी जैसे उसका खून पीऊंगा। ऐसा क्या,
आपके लिए खून और पानी एक है क्या? समधी जी, नाटक करना भी गुनाह है और नाटक करवाना भी। छोड़ दो ऐसे नालायक की दोस्ती। बिल्कुल सही कहा आपने, नालायक है वो, नालायक नालायक नालायक। क्या बताऊं समधी जी, एक्टिंग का शौक है, लाइव करेक्टर देख कर रहा नहीं गया, उसमें घुस गया। मैं अभी उसे फोन करके उसकी हेल्प करता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हो इसी वक्त निकल कर भाग जाए। इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं समधी जी? अरे बाप रे, अरे नहीं। अरे समधी जी, संभाल के उठिए, उठिए। अरे बाप रे, नहीं। आइए। ये सूटकेस लेकर आप इतनी रात को? मैं वो ऑफिस 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 से अर्जेंट फोन आया था, वहीं पे जा रहा हूँ मैं। समधी जी, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। अगर आपके दोस्त ने कुछ उल्टा सीधा कहा है तो बताइए, काट के बोटी बोटी कर दूंगा उसको। समधी जी, ये बार बार काट दूंगा कह के क्यों भी बढ़ाते रहते हैं। वो छोड़िए, आप जा रहे हैं, आपके लड़के को पता है? पता है क्या? उसे पता चलेगा तो मैं जा पाऊंगा क्या? मैं उसके लिए लॉलीपॉप हूं ना। डाडा, कहाँ जा रहे थे डाडा? नहीं बेटा, बच्चे लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप तक ही सीमित रहना चाहिए। चलिए डाडा, मैं आपकी मालिश कर देता हूँ। मूड नहीं है। चलिए ना डाडा। अरे बोला ना मूड नहीं है। दामाद जी, लगता है आपके पिताजी को गुस्सा आ गया है, इन्हें अंदर ले जाकर जरा प्यार से समझाओ। अंदर नहीं, सब कुछ यही कहो, मैं यही सुन लूंगा। चलिए ना डाडा। मैं नहीं आऊंगा। चलिए ना डाडा। बोला ना नहीं आऊंगा। चलिए बिना डाडा, मैं कह रहा हूँ आपसे, चलिए मैं मालिश करता हूँ। जरा इन्हें स्ट्रॉन्गली समझाओ, दोबारा यहाँ से बिना बताए जाने की हिम्मत ना हो इनकी। दो मिनट। ओके। संभाल क्या ही डाडा बेटा, कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या? नहीं है डाडा। बाप और बेटे को इसी तरह रहना चाहिए। वाह, कितना प्यार है दोनों में। किसी मसाज पार्लर में चले क्या बेटे? आपके बेटे ने बड़ी जल्दी आपको समझा दिया। ये समझाने में टाइम नहीं लेता, हर लेवल पे समझाता है, ऊपर और नीचे से। बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दामाद जी, अपने पिताजी को आप हमेशा अपने पास ही सुलाइएगा। जरूर सर। चल बे। आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। फिर वही है, वही है। सच में मैंने आपको जरूर कहीं देखा है। कहाँ देखा है? पितामह, उस दिन आपने पेपर में पढ़ा था ना कि दुबई में किसी ने 4,000 करोड़ में एक पूरी कंपनी खरीदी। ये वही है। ओ, अभी मुझे याद आया, यानी वो और वो मेरे पापा। तो तुम जिससे प्यार करते हो वो आपकी छोटी पोती से? ये सुनकर आपको इतना बड़ा झटका लगा, सोचो मुझ पर क्या गुजर रही होगी। अब मेरा क्या होगा पितामह जी? देखिए, इस कहानी की शुरुआत आपने की थी, इसलिए इसका क्लाइमेक्स भी आप ही को लिखना पड़ेगा। अरे रे, ये कौन सी बड़ी बात है कृष्णा? सिंपल सी बात है, मुझे फॉलो करो। अरे बाप रे, क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि डू इट नहीं प्यारे, ट्री इट है। मेरी तरह दोनों का ही हाथ थाम लो। आप मामूली बड़ों नहीं है, बहुत ही डेंजर किस्म के बड़ों हैं आप। लगता है कि ये सारा खेल आपका किया धराया है। आप क्या चाहते हैं, मैं खुशी से अपनी जिंदगी ना जीऊं? ये बताइए, मैं आपको क्या दिख रहा हूँ? तुम मुझे इस तरह दिख रहे हो जैसे वृंदावन के कृष्ण। आपका लड़का कब आ रहा है? वो देखिए, जहां ज्यादा प्यार होता है वहीं झगड़ा भी होता है, ये तो आम बात है। मधु भी मेरी बेटी है, उसे जल्दी बुला लीजिए। भूमि के साथ ही मधु की भी हम शादी करवा देंगे। चलता हूँ। बच्चा लोग रेडी हो ना? अंकल आप मारो, मैं कैच लेता हूँ। कैच लोगे तो मैं तुम्हारी चड्डी खोल दूंगा। ये क्या है डैडी? कल तक आप मुझे फक्र से आगे रखते थे और आज चोरों की तरह पीछे खींच रहे हैं। बात क्या है क्रेश? जैसा तुम सोच रहे हो सब कुछ वैसा नहीं हो रहा है बेटा। यहाँ पे चल रहे माहौल और हालात को देखकर मुझे डर लग रहा है। इस खेल का अंत क्या है? मेरी वजह से आज यहाँ कोई खुश है डैडी? मेरे जाने के बाद भी सबको खुश रहना चाहिए। लेकिन मुझे एक दुख भी है डैडी। आप लोग जो यहाँ तकलीफ झेल रहे हैं वो मुझसे देख ही नहीं जा रही है। ए,
तू जहाँ पर भी है ना, वही हमारे लिए जन्नत है। तुझे खुश देखकर हम हमेशा खुश रहेंगे बेटा। मेरे शरीर में हजारों बीमारियां हो गई है डॉक्टर, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा ना हो कि मेरी सांस ही रुक। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? मामा जी के रूम में। इस खेल का अंत क्या होगा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। मामा, 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 मामा जी ये भी उसी रूम में जा रहे हैं। अरे भगवान, अरे बेटा कुछ करो, जाकर इन दोनों को बचाओ। मामा से पहले मुझे पहुंचाओ। सीटी भी नहीं बज रही है। मामा, छोटे मामा, छोटे मामा। क्या बात है? छोटे मामा आपको बुला रहे हैं, कोई अर्जेंट काम है। वो कि तुम? मैं नहीं मामा, छोटे मामा, छोटे मामा। तुमने मुझे बुलाया छोटे? मैंने नहीं तो। हाँ आपने बुलाया था, अभी आवाज लगाई थी। तुझे मजाक सूझ रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं मामा, आप मेरी जान भी ले लेंगे तो अभी अंदर नहीं जाने दूंगा। क्यों रे? यूं ही मामा कमरा खाली है फिर भी अंदर नहीं जाने दूंगा। चूहे, इस कमरे के अंदर क्या चल रहा है? कुछ नहीं मामा। आज तो बकरे की जान फंस गई। आप लोग तीन लोग अंदर हैं क्या? तीन लोग हैं, तीन लोग हैं, तीन लोग हैं, तीन लोग हैं। कमरे में तीन लोग बैठकर बातें कर रहे हैं और तू दरवाजा बंद करके शक पैदा कर रहा है। मामा जी मुझे भूल हो गया। चुप कर। घर में इतने सारे लोग हैं कि तुम दोनों का मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने यह आने का प्लान बनाया। अब तो खुश हो ना? थैंक्स यार, तुम्हें आज बहुत खुश लग रही है क्रिश। अरे बाप रे, एक बार तुमने अपना सर मेरे कंधे पे रखा था तो मेरी जिंदगी ही पलट गई थी। अब अगर दोबारा रखोगे ना तो मैं मर ही जाऊंगा, इसलिए जरा दूर ही रहा करो। गोमी, 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 गोमी। साथ रखा और हिम्मत तुम लोगों में बांट दी थी। भूमि पर हाथ डालने के बाद तुम लोगों में वो डर दिखाई नहीं दे रहा है, ये नतीजा है मेरी शराफत का।
डर मैं तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। भूमि पर हाथ डालने से पहले तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं उसके साथ हूँ? तेरे हाथ रुक क्यों गए हैं? लगा लो उसे हाथ, लगा लो उससे कह देना कि भूमि पर बुरी नजर डाले उसके पहले जरा मेरे बारे में अच्छे से सोच ले। उसकी बुरी नजर ही मर जाएगी। सारे घर वाले तुम दोनों को लवर समझ बैठे हैं। ये देखकर मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन तुम्हारा ये 10 मिनट का जोश देखकर मुझे सबकी बातें सच लग रही हैं। मैं कैरेक्टर में पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुका हूँ, अब पीछे नहीं हट सकता। कल तक भूमि का बाप अकेला था, लगता था हम उसे फंसा लेंगे, लेकिन इस वक्त तीनों भाई संगम की तरह एक हो चुके हैं, अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भूल जा भूमि। आज तक मैं तेरी इज्जत इसलिए करता रहा क्योंकि तू मेरा बाप है, और अगर आज तू ही मुझे डर के मारे भूमि को भूल जाने के लिए कहेगा तो मैं तेरा यही गला दबाकर तुझे मार डालूंगा। उसे पता नहीं कि उसने किससे दुश्मनी की है। अब मैं उसे यह दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूं। क्या करूं? टेंशन में हूं। यहां से कैसे भागूं? ये बलि के बकरे की तरह कौन हलाल होने के लिए लेटा हुआ है? अंकल, ये किस पोज में लेटे हुए थे? ए, हाँ। तुझे क्या तकलीफ हो रही है? हाँ। मेरी तकलीफ नहीं बांट सकता ना, तो जा भाग यहाँ से। अच्छा, तुम्हारी करतूत के बारे में भाई को बता दूंगा तो तुम्हारी धुलाई कर डालेंगे। धुलाई होने के बाद किसी को बता भी नहीं सकते कि कहाँ कहाँ धुलाई हुई है। क्यों रिस्क ले रहे हो मेरे साथ? अच्छा, 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 चलो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब आप लोग आगे की रस्म शुरू कीजिए। शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। अरे तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हमारे समधी बनने वाले हो। चलो तुम भी हाथ लगाओ और बच्चों को अपना आशीर्वाद दे दो। हाँ बिल्कुल दे दूंगा, लेकिन जरा मुझे सपोर्ट चाहिए। क्या हुआ समधी जी, खुशी के मौके पर आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? लाइए। अब आप अंगूठी पहनाइए। ये लो बेटा, पहना दो। पहनाओ।
इतना सोच क्यों रहे हैं दामाद जी? अंगूठी के बदले में डायरेक्ट मंगलसूत्र पहनाने का इरादा है क्या? सॉरी। अब मुझे कोई डर नहीं। तुम आगे पढ़ना चाहती थी ना? जाओ, जहां तक पढ़ना है पढ़ो। क्यों क्रिश, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं सर। हा? अब तुम दोनों जब चाहोगे तभी तुम्हारी शादी होगी, ये मेरा वादा है। बाप रे, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है और मेरी लाइफ मेरी। अब तुम यूएस में सेटल हो जाओ और अपने पापा को फोन कर देना कि क्रिश ने तुम्हें धोखा दे दिया, तुम्हें उससे अब शादी नहीं करनी। कुछ दिनों के लिए उन्हें झटका लगेगा लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी हो उसका इफेक्ट तुम पर नहीं पड़ेगा। भले ही मैं तुम्हारे साथ ना रहूं लेकिन मुझसे कम अच्छा लड़का तो तुम्हें मिल ही जाएगा, उससे शादी कर लेना। सॉरी, यूं ही मजाक कर रहा था। तुम्हें मुझसे भी अच्छा लड़का जरूर मिलेगा। तुम हमेशा खुश रहो, यही मेरी तमन्ना है। ज्यादा इन्वॉल्व हो जाने से ऐसा ही होता है। भूमि के दिल में तुम पूरी तरह से बस चुके हो तो फिर ऐसे खामोश क्यों हो? मैं तुमसे पूछ रही हूं, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं क्रिश? मुझसे कोई भूल हुई है क्या? यार, अगर तुम क्रिश को यहाँ नहीं भेजती तो मेरा प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होता। इस भूमि के लिए वो एक अनमोल रतन बनकर आया है, इसीलिए मैं क्रिश को तुम्हारे हवाले करने की सोच रही हूँ। तुम क्या कहती हो? क्या हुआ? सबकी मदद करने वाला ऐसा बॉयफ्रेंड बड़ी ही मुश्किल से मिलता है इस दुनिया में, और तुम्हें मिल गया है। इसीलिए इतना घमंड कर रही हो क्या? तुम्हारी अमानत को मैं तहे दिल से तुम्हारे हवाले करती हूँ। क्रिश किसी भगवान के रूप से कम नहीं है, ऐसा लाखों में एक होता है और वो तुम्हारा है। भूमि, हाँ? तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? उसे दिल में बसाकर उसे मुझे सौंपते हुए तुम किस दौर से गुजर रही हो मैं समझ सकती हूँ। काश ये बात मुझे नहीं पता होती तो अच्छा होता, लेकिन मुझे सब पता है। उसने क्या कहा था सोचो?
उसके यहाँ से जाने के बाद सब उसे धोखेबाज समझेंगे, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए सबसे बढ़कर तुम्हारी खुशी है। मधु, तुम शहर में किस लड़के से प्यार करती थी? पापा वो हम तो तुम्हें धोखा देने वाला यही कृष्णा है ना? इसकी बातों में आकर तुम अपने कृष्ण पे शक कर रहे हो? वो अपने घर का दामाद बनने वाला है, ये बात ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तुम्हें इस घर में लाने वाला और हम दोनों को फिर से मिलाने वाला अपना कृष्ण ही है। आज मुझे अपने आप से ज्यादा इस पर विश्वास है। कृष्ण, वो क्या बकवास कर रहा है? वो कहता है तुम्हारे माता पिता नहीं, तुम्हारे माता पिता ये है। मधु के प्यार को ठुकरा कर तुम भूमि का प्रेमी बनकर यहाँ पर आए? छी, क्या बकवास कर रहा है ये? तुम कौन हो इन्हें बता दो, इन सब की जुबान बंद कर दो। वो जो बोल रहा है सच है, यही सच है। हमारी बच्ची की जिंदगी से खेल कर तुम उससे आंख मिचौली खेल रहा था नालायक। तुझे कलेजे से लगाकर पूजा की थाली से जो तेरी आरती कर रहे थे, हमारे ही परिवार की आंखों में तूने थूक छोड़ा। जिस दिन तूने अपने प्यार को मेरे सामने लाने से आनाकानी किया था, उसी दिन तू मेरी आंखों से गिर गई थी। पापा, मेरी बात कुछ नहीं सुनना मुझे। तेरी किस्मत में धोखा ही लिखा था बेटा, अपने मन को तसल्ली दो। भाई साहब रोकिए उन्हें, मर जाएगा वो। मर जाने दो भाई साहब, मैंने कहा मर जाने दो। ए, मैंने पहले ही कहा था, अच्छा होता कि यहाँ आने से पहले ही तू जान लेता। तूने सुना नहीं, भूमि हमेशा मेरी ही रहेगी। मैंने तुझे पहले ही समझाया था, मैं देखने में तुझे भले ही नर्म लगूं, लेकिन मुझे कभी छेड़ना मत। भूमि अब तुझे कभी नहीं मिलेगी, और ना ही मैं तुझे उससे मिलने दूंगा। भूल जा तू उसे हमेशा के लिए। भूमि का नाम तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। मैंने तुम्हें एक शरीफ लड़का समझा था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। दोनों एक होकर शैतानों को सबक सिखाओगे, यही समझ बैठा था मैं। इस तरह एक शरीफ लड़के का ये हाल करोगे, ये मुझे पता होता तो तुम दोनों को मिलाने की कभी कोशिश नहीं करता। चुप रहो तुम। अगर तुम लोगों को मारना ही है ना, तो मुझे मारो, मुझे मारो। एक बात समझ लो, तेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, यही सोचकर मेरे कहे हुए एक झूठ के कारण ये लड़का बिना सोचे समझे यहाँ आ गया। शहर में प्यार का नाटक करके मधु को धोखा दिया इसने। चुप रहो तुम। उसे यहाँ भेज कर इस तरह करने के लिए तेरी बेटी ने कहा था। समझ में आया? लेते हैं कि ये बात सच है, फिर भी इसने भूमि की जिंदगी से खिलवाड़ किया है।
ये एक नंबर का धोखेबाज है। कौन है धोखेबाज? उसने तेरी जमीन जायदाद लूट ली है। दोनों की जायदाद को एक साथ अगर जोड़ भी दिया जाए तो उसके धन दौलत का सौवा हिस्सा भी नहीं बनेगा। हजारों हजारों करोड़ का मालिक है वो, कोई भिखारी नहीं है। अपनी सारी खुशियों को छोड़कर इस बूढ़े की एक झूठ को सच करने के लिए ये यहाँ आ गया। अरे रे बेवकूफ हो, जंग का अखाड़ा बने हुए इस घर को वृंदावन बना दिया, खुशियों से भर दिया। तूने क्या कहा? उसने तेरी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। हे, वो खुद इससे प्यार कर बैठी है, पूछ ले। ए, सुनो, मैं उसे नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ कहने वाला तू खुद उससे प्यार करने लगा था ना। ए, तो तेरी बेटी क्या चीज है बेटा? ये एक आजाद प्रेम का पंछी है, इससे किसी इंसान को प्यार ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। खरा सोना है ये। समधी जी, तुम्हारे लड़के ने दुश्मनी का झंडा लहराने वाले दो परिवारों को एक छत के नीचे लाकर जो काम किया है उसके लिए हमें उसकी आरती उतारनी चाहिए। हम वो नहीं कर रहे, हम आपके गुनहगार हैं, क्योंकि हमने उसका खून से अभिषेक कर दिया। मेरे बच्चों की भूल की माफी मुझे दे दो, आप मुझे दे दो। भैया, भूमि को वो बदमाश उठा के ले गया। रुक जाओ, भूमि अब हमारी जागीर नहीं, उसकी जागीर है। तुम दोनों में से उसे बचाने कोई नहीं जाएगा, वो जाएगा। मेरे शेर, तूने वादा किया था जिस काम से तू आया है वो काम पूरा करेगा। जाओ, भूमि को वापस लेकर आओ, जाओ। हरकत तेरी गंदी जरूर है, लेकिन तेरा कमिटमेंट मुझे पसंद आया। तुझे समझाया था ना मैंने कि मुझे छेड़ने की कोशिश मत करना। आजा, आजा। अगर भूमि को मुझसे छीन कर ले जाना है तो उठकर खड़ा हो, सामना कर मेरा। भूमि की तरफ देखना मत, वो मेरी है।
इसके बिना वो नहीं रह सकती, उसके बिना ये नहीं रह सकता। क्या किया जाए? बेटा कृष्णा, इन दोनों में से तुम्हारे दिल में कौन है? दादू। समझ गया, छोड़ो। बड़े चल तू ही बता। मैं क्या बताऊं? सुबह मुर्गा बांग देता है इसकी हुक्म से, इसे ही कहने दो। कौन, मैं? और नहीं तो क्या, इस घर में गन तो तू ही है ना? मैं? गन तो मैं ही हूँ, लेकिन बुलेट वो है, किस गन से चलेगी आप नहीं जानते क्या? क्रिश। कृष्णा, चल हम मंदिर जाकर आते हैं। मंदिर क्यों जाते हैं तुझे नहीं पता? कोई भी प्रॉब्लम आया तो भगवान को मस्का मारने मंदिर में जाते हैं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या भगवान जी, मैंने थोड़ी सी मजाक क्या कर दी, आपने तो उसे दिल पे ही ले लिया। अब उसकी इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए ना, ये जो मेरी प्रॉब्लम है ना, ये अब आपको ही सॉल्व करनी होगी। आप जिसकी तरफ इशारा करेंगे ना, मैं उसी से शादी कर लूंगा। बोलिए ना। प्रभु, ये क्या माया है?